सो गुड मॉर्निंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ करेंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। तो मालिक बेसिकली दीज आर द लेक्चर्स विथ रिस्पेक्ट टू योर ईओबी बैच। ईओबी बैच की कहानी चल रही है मालिक, और जब हमारी ईओबी बैच की कहानी चल रही है विच इज कॉल्ड एज एग्जाम ओरिएंटेड बैच, उसके ऊपर अपन थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर लेते हैं। एकदम आराम से जाइए, एकदम स्ट्रक्चर वाइज जाइए, बिकॉज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहां पर अपने पास क्या है। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच यहां पर अपन चालू करने के पहले कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं, कुछ चीजें समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं मतलब समझ लेते हैं, ताकि अपने को स्ट्रक्चर वाइज आगे कैसे जाना है ये एकदम क्लैरिटी रहेगी। सबसे पहला पॉइंट, ओके सर, तो मेरे ख्याल से सबको आवाज बराबर आ रही है। सबसे पहले पॉइंट, कुछ पॉइंट बेसिक डिस्कशन के अपन डाल देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ओके, इस बैच का नाम क्या होगा? बैच का नाम है ओके एसएम का ईओबी बैच, विच इज कॉल्ड एग्जाम ओरिएंटेड बैच मालिक। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड बैच जब मैं बोल रहा हूं, डेफिनेटली इट इज नॉट अ फुल कोर्स, बट इट इज ऑल्सो नॉट अ क्रैश कोर्स। ये इसका कॉम्बिनेशन है, जहां पर ये फुल कोर्स की मैक्सिमम चीजें कवर करवाएगा और क्रैश कोर्स का इसके अंदर जिक्र होगा। यानी अपन इसको टेक्निकली ये बात कर सकते हैं, ये क्रैश कोर्स से बड़ा होता है और ये फुल कोर्स से छोटा होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट आप ये ध्यान रखिए। सेकेंड, ओके, यानी यहां पर आप ये कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स नहीं जा रहे हो, ना आप ये क्रैश कोर्स कर रहे हो, ना एक मैराथन का कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं अपन, ये ओके डिटेल्ड कवर करेंगे लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू मालिक। ओके, तो सर यानी इसका मतलब क्या, अपन इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं करेंगे? इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर होगा मालिक, यहां पर सिलेबस का कोई भी वे से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो आपको सिलेबस का इशू मतलब सिलेबस की चिंता नहीं है, सिलेबस इज कंप्लीट सिलेबस। ओके, टेक्निकली बात करें तो अगर आप फुल कोर्स करते हो, टेक्निकली बात करते हैं तो आप क्रैश कोर्स करते हो, टेक्निकली बात करें एग्जाम ओरिएंटेड, सब में सिलेबस कंप्लीट होता है, लेकिन सिलेबस पढ़ाने का एक तरीका रहेगा, तीनों के बैच में अपने अपने डिफरेंट फॉर्मेट होंगे मालिक। ओके, तो सर ये बैच, पहले ये बैच किसने करना चाहिए, यानी टेक्निकली एग्जाम ओरिएंटेड बैच करना चाहिए या रेगुलर बैच करना चाहिए? तो देखिए ओके, इसके अंदर दो चीजें हैं। रेगुलर बैच अप्रोक्सीमेटली 55-60 आवर्स के रेंज में जाएगा, 60 आवर्स अप्रोक्सीमेट रहेगा रेगुलर बैच स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो रहेगा ये अपने को अप्रोक्सीमेटली 30-35 आवर्स के बीच में एंड होगा। यानी ये कहीं ना कहीं ये ऑल टुगेदर फुल कोर्स का एक 50-55-60% का वर्जन रहेगा, आपको 60% का वर्जन आपको मिल जाएगा। ओके, अब टेक्निकली बात करें तो सर क्या मैंने फुल कोर्स करना चाहिए, क्या मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच करनी चाहिए? ये डिसीजन वैसे देखा जाए, अगर आप पहली बार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, यानी इसके पहले आपने कहीं पर भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं पढ़ा होगा, तो आपने फुल कोर्स में जाना चाहिए। ओके, लेकिन ऑल टुगेदर आप पढ़ चुके होंगे, जैसे एग्जामिनेशन नवंबर 2023 हुआ या उसके पहले वाली एग्जामिनेशन हुई है, ऑलरेडी आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ चुके हो और अब आप मई 2024 में वापस एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू। अब टेक्निकली यहां पर ये भी सिनेरियो है, आई डू थिंक एवरीबॉडी इज अवेयर नाउ, मई 2024 इज अबाउट अ न्यू सिलेबस बैच, इट इज नॉट ए ओल्ड सिलेबस। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ओके, या बड़ा प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ा डिस्कशन ये आएगा, जो नवंबर 2023 वाले स्टूडेंट्स है जो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर रहे हैं और जो मई 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज आपको यह समझना होगा, आपने जो पुराना पढ़ा है उसको भूलना होगा मालिक, और जो आपको नया पढ़ना है उसको याद रखना होगा। यानी यहां पर सिर्फ इस बैच का ऑब्जेक्टिव यह नहीं होगा कि आपको याद रखना है, आपका यह बैच में यह भी ध्यान रखना होगा कि आपकी पुरानी चीजें आपको भूलनी होगी, क्योंकि जब तक आप वो पुरानी चीजें भूलोगे नहीं, नए बैच में जो जो नई रिक्वायरमेंट आएगी वो अपने को ध्यान नहीं रहेगी मालिक, वो अपने को मिक्स मैच होगी। बिकॉज द मेजर चेंज द इंस्टीट्यूट हैज डन इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट। यानी अगर अपन यहां पर ओके जो सिलेबस की बात करते हैं, तो सर ओल्ड सिलेबस जो नवंबर 23 के पहले वाला था, नवंबर 23 या उसके पहले था, और जो मई 24 या उसके बाद जो सिलेबस है उसमें चेंज क्या है? देखिए उसमें कोई एज सच अमेंडमेंट नहीं है मालिक, ऐसा नहीं है कि इतना ही अमेंडमेंट पोर्शन है, इतना पढ़ लो काम खत्म हो जाएगा। ओके, सर टेक्निकली बताओ तो 30-35% सिलेबस पूरा सेम है, यानी आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसके सिलेबस सेम रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स वगैरह जो होते हैं वो ऑल टुगेदर, यार जो फॉर्मूला जैसे कॉन्टेक्स्ट होता है वो ऑल टुगेदर, उसमें कोई चेंजेस थोड़ा आने वाले हैं, वो ऑल टुगेदर आपके वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। जैसे बीसीजी मैट्रिक्स हो गया या एडीएल मैट्रिक्स हो गया, ओके जीई मैट्रिक्स हो गया, या आप जो मैट्रिक्स पढ़ते हो एनसॉफ के मैट्रिक्स हो गया, माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस हो गए, कुछ कहानी रहेगी जो आपकी पहले जैसी चल रही है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। ये 30-35% का सिलेबस रहेगा।
30% सिलेबस ऐसा रहेगा जो कंप्लीटली नया है, यानी जो आप पहली बार पढ़ने वाले हो, जो आपने नवंबर 23 में पढ़ा ही नहीं है, जैसे मेडलो मैट्रिक्स हो जाएंगे, कुछ एनवायरमेंट्स के बारे में डिस्कशन आ जाएंगे। ओके, ये पहली बार पढ़ने वाले हो, ये इसका कोई लेना देना नहीं था जो आप पिछले नवंबर 23 में आपने पढ़ा है। तो 30% ऐसा है कि जो कंप्लीटली नया है, 30% ऐसा है कि जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, 30% ऐसा है जो पहली बार पढ़ रहे हो कंप्लीटली नया है, 30% ऐसा होगा जो पुराना होगा 30-35%, और 30% ऐसा होगा जो आपने पहले पढ़ा होगा लेकिन उसके मसाले में या उसके कंटेंट में चेंजेस आए हुए हैं। यानी टू बी वेरी प्रिसाइज, ओके, जो आपने पहले पढ़ा होगा उस आंसर्स जो थे और अब जो पढ़ोगे उसके आंसर्स जो है वो दोनों चेंज होंगे। ओके, ये पॉइंट आपको, ये मेजर डिस्टर्बिंग है, क्योंकि यहां पर जो आपने पिछले टाइम जो आंसर पढ़े थे उसमें आपने कुछ चीजें याद रखी होगी, कुछ चीजें रटी होगी, कुछ चीजें कॉन्सेप्टली समझी होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां पर आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पर अपने को टेक्निकली ध्यान रखना होगा मालिक। तो पहला पॉइंट, अपने को SMEOB बैच का ऑब्जेक्टिव आपको समझा होगा, जहां पर अपन ऑल टुगेदर ये इंश्योर करेंगे कि आपका जो पुराना वाला किस्सा है वो आप भूल जाओगे और नए वाले किस्से की तरफ ध्यान रखोगे मालिक। ओके, तो कॉन्सेप्टली मैंने आपको बता दिया ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस की ट्रांजिशन फेज में क्या चेंजेस है और इसकी वजह से। सर क्या मैं फुल बैच ले सकता हूं या मैं ईओबी में मेरा काम हो जाएगा? देखिए, एकदम सिंपल सा सोल्यूशन मैंने जैसे पहले भी बता दिया, अगर आप एसएम पहली बार पढ़ रहे हो तो रेगुलर में जाइए, आप एसएम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ईओबी कर लीजिए। लेकिन अगर आप टेक्निकली ऑल टुगेदर एकदम टाइम अवेलेबल है, यानी एग्जांपल आपका सिर्फ ग्रुप टू बचा हुआ है, आपका ग्रुप वन क्लियर हो चुका है, आपके ऑल टुगेदर 3-4 पेपर क्लियर हो गए हैं, आपके सिर्फ 2 पेपर बचे हैं जैसे एफएम एसएम और ऑडिट, यही पेपर बचने की संभावना है, तो इस केस में टेक्निकली स्पीकिंग आप ऑल टुगेदर ओके रेगुलर बैच के साथ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मालिक। रेगुलर बैच कैन बी ऑल्सो एन ऑप्शन बिकॉज आपके पास टाइम है, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर में से करिए। तो क्या सर इसमें अच्छे से स्ट्रक्चर में से नहीं होगा? होगा, इसमें भी होगा, लेकिन इसमें और उसमें ओके क्या होगा, डिफरेंस क्या है, वो पॉइंट पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रेगुलर बैच में अगर मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं तो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन 4-5 एग्जांपल 6-7 एग्जांपल तक डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जब मैं ईओबी बैच आऊंगा तो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं 6-7 एग्जांपल नहीं डिस्कस करूंगा, 1-2 एग्जांपल में अपन उसको क्लोज करेंगे। ईओबी बैच में अपन 1-2 एग्जांपल तक अपन समझेंगे। सेकंड, ओके सर, जब मैं ऑल टुगेदर ये बैच में जाता हूं, रेगुलर बैच में जाता हूं, तो रेगुलर बैच में अपन ऑल टुगेदर क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर तरीके से जाते हैं। हाँ भाई, ये पहला पॉइंट, इसमें भी मैं स्ट्रक्चर तरीके से जाऊंगा, लेकिन इसमें मैं ना चार्ट फॉर्मेट वगैरह नहीं यूज करूंगा, मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक मॉडल यूज करता हूं। वहां पर डायरेक्टली टेक्स्ट बुक मॉडल यूज नहीं करता, वहां पर मैं पहले अपना कुछ लिखता हूं, स्क्रीन पे लिखता हूं, चार्ट बनाता हूं वगैरह वगैरह। ओके, यहां पर मैं टेक्स्ट बुक मॉडल डायरेक्टली यूज करूंगा, यानी मैं टेक्स्ट बुक आपके सामने लेके बैठूंगा, टेक्स्ट बुक से अपन डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट बुक से उस चीजों को क्लोज करेंगे, टेक्स्ट बुक से समझेंगे, टेक्स्ट बुक से डेफिनेशन याद रखेंगे। दिस हाउ द स्ट्रक्चर विल कम इनटू पिक्चर। यानी वहां पर टेक्स्ट बुक यूज नहीं करता ऐसा नहीं है, टेक्स्ट बुक यूज करता हूं, लेकिन वहां पर पहले चार्ट है, फॉर्मेट है, रेगुलर बैच में स्ट्रक्चर है, बैकग्राउंड देता हूं, ये सारी चीजें, और उसके बाद अपन टेक्स्ट बुक में जाते हैं। यहां पर अपन टेक्स्ट बुक चालू करते हैं, बैकग्राउंड के साथ में ही टेक्स्ट बुक के स्टार्ट में ही स्ट्रक्चर क्लोज करेंगे ईओबी बैच में। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझा, ओके, दैट डिफरेंस बिटवीन योर रेगुलर बैच एंड ईओबी बैच। ओके, सो पहला सिनेरियो, दो पेपर देने की संभावना, मतलब दो ही होंगे ना? अरे मालिक, दो ही होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है ना, कोई दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुआ रहेगा, पिछले आइटम में नवंबर 23 में उसका वापस दोनों ग्रुप देना है, उसको 6 पेपर देने होंगे। अब समझ रहे हो, मतलब अगर वैसा कोई स्टूडेंट है जिसको ऑलरेडी 6 पेपर देने हैं, मेरे को आप ये बताइए, जिसको ऑलरेडी 6 पेपर वापस कवर करने हैं, ओके, उसके लिए आई डोंट थिंक सो उसने रेगुलर बैच में टाइम वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी 6 पेपर का लोड है ना मालिक। ओके, अगर उसको दोनों ग्रुप देना है तो उस चक्कर में मैं यही बताऊंगा कि भाई यार ईओबी बैच कर लीजिए, अगर आपने नवंबर 23 में ऑलरेडी कर लिया है तो मैं 2 पेपर देने की संभावना, मतलब ऐसा हो सकता है ऑडिट भी एकदम दुआ रहेगा, अब मेरे को बताओ एक ही पेपर देने की संभावना है। तो ये केसेस में, मतलब जब आपके पास अगले 2-3 महीने का लोड कम है, मेरा टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगले 2-3 महीने का लोड कम है तो आप कौन से बैच के साथ जा सकते हैं, SMEOB बैच के साथ। मेरे ख्याल से ये टेक्निकली पॉइंट क्लियर है सबको। ओके, तो SMEOB बैच का लॉजिक मैंने आपको बता दिया, बैकग्राउंड दे दिया, रेगुलर बैच किसने करनी चाहिए, ईओबी बैच किसने करनी चाहिए। ओके सर, क्या ईओबी बैच में क्वेश्चन बैंक होगा या नहीं होगा या रेगुलर बैच में? देखिए, रेगुलर बैच में पूरा क्वेश्चन बैंक हो गया, क्वेश्चन बैंक में आपको बुक्स के फॉर्मेट बता दूंगा, बुक्स के फॉर्मेट क्या है क्या नहीं है सारा स्ट्रक्चर बता दूंगा। जो मेन बैच के क्वेश्चन बैंक हुए वो क्वेश्चन बैंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ईओबी बैच में सब कुछ सारा थियरी A to Z हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक में डिस्कस करके आपको अपडेट कर दूंगा सारा का सारा। तो यहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन बैंक का स्ट्रक्चर आपका पेंडिंग रहेगा।
क्वेश्चन बैंक हो जाएगा. ओके उसको कैसे स्ट्रक्चर से करना है वो मैं आपको अपडेट रखूंगा मालिक. ओके सेकंड सर इसमें टेक्स्ट बुक कौन सी मिलेगी, क्या इसके लिए कोई रिवीजन बैच की टेक्स्ट बुक है क्या? आंसर इज नो, ये रिवीजन बैच की टेक्स्ट बुक नहीं है. जो मेरे कोई पुराने स्टूडेंट थे उनको मालूम है मैं एक तोड़ रिवीजन बुक निकालता हूं. तोड़ रिवीजन बुक एक समरी बुक होती है जो 25-30 पेज में ऑल टुगेदर एसएमबी खत्म कर देगी. तो सर ये कोई रिवीजन बैच जैसा कॉन्सेप्ट है क्या, कोई ये रिवीजन बुक यूज की जाएगी? नहीं नहीं मालिक, इसमें जो टेक्स्ट बुक यूज की जाएगी वो मेन बुक होगी अपनी. मेन बुक जो रेगुलर बैच के लिए बुक है ना मालिक, वही बुक है. उसको बस अपन एग्जाम ओरिएंटेड के थ्रू पढ़ने वाले हैं. तो सर इसके अंदर आपको दो बुक मिल जाएगी मालिक. दो बुक कौन सी मिल जाएगी? एक मेन टेक्स्ट बुक मिल जाएगी जिसका वॉल्यूम वन नाम है, और एक आपको मिल जाएगी जो है वॉल्यूम टू, जिसको अपन बोलते हैं क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू है, एमसीक्यू के मल्टीपल पॉइंट्स है, उसके अलावा क्वेश्चन बैंक है, और उसके अलावा इंटीग्रेटेड केस स्टडीज है. ओके आपका ये कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है. तो अब टेक्स्ट बुक अपन जो पूरा क्लास रेगुलर जो बैच चलेगी अपनी उसके अंदर अपन टेक्स्ट बुक पूरा कवर करेंगे, और क्वेश्चन बैंक एज एंड व्हेन उसके स्ट्रक्चर में जैसे जैसे जाते जाएंगे अपन उसके अंदर क्लोज करते जाएंगे मालिक. ओके तो ये दो बुक है. इसके अलावा सर कोई बुक मिलेगी? इसके अलावा एक चार्ट बुक है, लेकिन चार्ट बुक की मैं सॉफ्ट कॉपी आपको डाल दूंगा. ओके टेलीग्राम चैनल पे तो चार्ट बुक एक आप है, आप देख सकते हो, वो सॉफ्ट कॉपी आपको यूज करने मिल जाएगी. सर चार्ट बुक क्या होगी? एक 10 पेज के अंदर चार्ट फॉर्मेट होंगे, जिसके अंदर 10 पेज के अंदर पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा. 10-11 पेज होंगे, 10-11 पेज के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, जिससे आप रिवाइज कर सकते हो. यानी जैसे जैसे अपने चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद वो चार्ट बुक यूज कर सकते हो आप रिवाइज करने के लिए. यानी पूरा 50 मार्क सिर्फ 10-11 पेजेस में. लेकिन वो 10-11 पेजेस में आपको ये समझना होगा वो चार्ट बुक है, यानी खाली हेड पॉइंट्स है. इट इज नॉट कवरिंग एनी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मालिक. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर होगा. तो चार्ट बुक है, तो ऑल टुगेदर आपके फॉर्मेट में आपको जो डिलीवरी आएगी ओके वो मेन बुक ही आएगी, जिसके अंदर दो बुक होगी, एक होगी टेक्स्ट बुक, एक होगी क्वेश्चन बैंक. टेक्स्ट बुक आपको जो मिलेगी वो कलरफुल में मिलेगी, क्वेश्चन बैंक जो मिलेगा वो ब्लैक एंड व्हाइट में मिलेगा मालिक. ओके क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जब मैं लिखने बोलता हूं तो ऑल टुगेदर उसमें कलर पेन यूज करके उसको कलरफुल बनाइए, ये टेक्निकल आंसर होता है उसका. ओके तो व्हाट एवर इट मे बी, ओके कॉस्ट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट होता है मालिक. ओके आप स्टडी मैनेजमेंट समझोगे नेवरतheless. ओके कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल रखिए. ओके जिसको जोक सपाट, लेकिन सही सीन ऐसा है, टेक्स्ट बुक आपको पूरा तोड़ कलर वाले इसमें मिलेंगे, कलर कॉम्बिनेशन मीम्स वीम्स सब डाले हुए हैं. पर मीम्स वीम्स आपको एग्जाम में लिखने नहीं है भाई, मालूम बड़ा मीम डाल दिया अगले आइटम में अपने को मीम जैसे मार्क्स मिल जाएंगे, तो अपने को ध्यान रखना है भाई. लेकिन जो सपाट मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन टेक्स्ट बुक्स आपको मिलेगी और क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा हार्ड कॉपी, और चार्ट बुक आपको मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी मालिक. ओके ये पॉइंट आप ध्यान रखिए. ओके ये सिनेरियो आप ध्यान रख सकते हो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेक्स्ट बुक्स. सर तीसरा आइटम, तीसरा पॉइंट मतलब बैच कौन सी बैच है, बैच का नाम क्या मैंने बता दिया, दूसरा टेक्स्ट बुक हो गया, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो ये बैच कौन से अटेम्प के लिए सुटेबल है. ये बैच अटेम्प के लिए सुटेबल है वो है May 24 ऑनवर्ड्स. आप अगर May 24 वाले हो, November 24 वाले हो, ओके उसके आगे के सिनारे में आप देने का प्लान कर रहे हो, तो ये बैच उस ऑल टुगेदर सुटेबल है. लेकिन डेफिनेटली मैं बोलूंगा May 25 होगा तो मेरी और एक बैच आ जाएगी, November 24 भी होगा तो और एक बैच आपको मिल जाएगी, बस टाइम आगे पीछे रहेगा. लेकिन ये बैच May 24 November 24 सुटेबल है आराम से. May 25 ऑनवर्ड्स अपने को अगर कुछ नया आता है एमेंडेड आता है तो देखना पड़ सकता है, बट टेक्निकली ये बैच की सुटेबिलिटी ये दो आइटम के लिए आग बंद करके है मालिक. तो ये बैच अगर आप May 24 November 24 दे रहे हो तो आप बिंदास देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मालिक. ओके तो अटेम्प्ट के लिए आपको ऑलरेडी समझा दिया. ये बैच के कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, देखिए ये बैच के ऑप्शंस अवेलेबल है. ओके जो है गूगल ड्राइव ऑप्शंस, दूसरा है पेन ड्राइव ऑप्शंस. ओके ये दोनों ऑप्शंस में गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव की जब मैं बात करूंगा तो गूगल ड्राइव आप तो अभी डायरेक्टली जो आपको लिंक आ जाएगी उस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, और पेन ड्राइव जहां पर एक बार पूरे बैच रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद पेन ड्राइव डिलीवर की जा सकती है. ओके ईओबी केस में पेन ड्राइव का कॉन्टेक्स्ट, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है. सर क्या ये बैच लाइव स्ट्रीमिंग में ऑप्शन अवेलेबल है? जैसे आप देख रहे हो लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन अवेलेबल है, लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी एक दिक्कत क्या है? ओके लाइव स्ट्रीमिंग में ऑप्शन अवेलेबल है नहीं है ऐसा नहीं है, बस प्रॉब्लम मतलब जब मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूं, ओके थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसा है लाइव स्ट्रीमिंग में. ओके आज अपना है 23rd से लेकर 2nd फेब तक जो अपने बैच टाइमिंग रहेंगे वो मॉर्निंग 7 to 8:15 AM रहेगा. आप समझ रहे हो? ओके ये मॉर्निंग रहेगा और इसके बाद ओके उसके बाद 3rd फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स जो भी बैच टाइमिंग रहेगी वो शाम को 6 to 7:30 PM रहेगा. तो आप ये समझ लीजिए ये बैच अप्रोक्सीमेटली अपने लिए 18 दिन की बैच रही, 18 से 20 दिन की बैच रहेगी मालिक.
अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। तो 20 दिन की बैच में ओके अपने पहले कुछ जो लेक्चर्स है जो नेक्स्ट 10-12 दिन रहेंगे, 12 दिन के जो लेक्चर्स रहेंगे वो अपन सुबह यही टाइम पे लेंगे 7 से 8, और उसके बाद 3 फरवरी से लेक्चर चालूंगे जो अप्रोक्सीमेटली 8 लेक्चर्स रहेंगे, 8 से 10 लेक्चर्स ओके वो रहेंगे शाम को 6 से 7:30 ओके। कभी मन किया तो एक 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है मालिक, तो उतना सा टेक्निकली आपको संभालना पड़ेगा। तो लाइव स्ट्रीमिंग में एक ही पॉइंट मैंने आपको बताया, लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्या? अवेलेबल है, लेकिन इसमें सिर्फ टाइम का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो टाइम पहले 10-12 दिन आपको अप्रोक्सीमेटली ये टाइम अपन जो बैठे हुए ये टाइम पे मिलेंगे, और आगे के एक 8 दिन अप्रोक्सीमेट वो आपको शाम को लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से लाइव स्ट्रीमिंग वाले क्लियर है मालिक। सर लाइव स्ट्रीमिंग वाला कौन से ऐप पे ये चलने वाला है? ये ऐप जो चलेगा वो ऐप का नाम होगा CACS अमित तातेड़ ओके। जो ऐप होगा वो होगा CACS अमित तातेड़ ऐप ओके, अमित तातेड़ ऐप, ये ऐप की कहानी रहेगी। ये आप ऐप लिंक ट्री ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है ओके, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना मालिक। How to start your live in Academy app, AT Academy app नहीं रहेगा, अमित तातेड़ app रहेगा। उसमें live 2 से 3 दिन दीजिए okay, 3 दिन अपना YouTube पे ही देने वाला है। पहले 3 लेक्चर आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया okay, 2-3 दिन में अपनी टीम आपसे पूरा कम्युनिकेट करेगी। मैं आपको एक वीडियो लिंक भेजूंगा टेलीग्राम में कि ऐप कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उस पर रजिस्टर कैसे करना है और उस पर लाइव कैसे जाना है, इसका एक छोटा सा क्लिप बना के भेजूंगा मैं, वो आप देख लेना। आप ऑल टुगेदर ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं मालिक। तो वैभव जी आपको पूरा सिर्फ आपको एक टेलीग्राम चैनल जो रहेगा उसको सब्सक्राइब करना है मालिक ओके। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे इस जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन रहेगा उसके अंदर मिल जाएगी, जो आपका इंटर का टेलीग्राम रहेगा। तो टेलीग्राम की लिंक पे आपको लिंक ट्री भी मिल जाएगी, इसके नीचे सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए सारे लिंक्स के, तो आपको लिंक मिल जाएंगे। और कहीं पर भी दिक्कत आई ओके, आप एटी एकेडमी के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एटी एकेडमी का ऐप है, एटी एकेडमी है, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं क्या है क्या नहीं है, वो आपको असिस्ट कर देंगे मालिक ओके। तो टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सारी डिटेल्स जैसे अभी एग्जाम्पल ये चार्ट बुक हो गई, चार्ट बुक अपन टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे ओके ये चार बुक हो गई। अभी जैसे किसी को हार्ड कॉपी, अभी एग्जांपल किसी ने आज बैच ज्वाइन की हुई है, अभी आज के आज हार्ड कॉपी मिलेगी नहीं, आज के आज टाइम लगेगा हार्ड कॉपी आने के लिए। तो जो इसका चैप्टर 1 का लेक्चर है वो चैप्टर 1 का लेक्चर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल CACS अमित तातेड़ इंटर का टेलीग्राम चैनल है ओके। ऑल टुगेदर आप देखोगे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक ही आपको आ जाती है। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट टेलीग्राम चैनल मालिक, एवरीबॉडी क्लियर? तो टेलीग्राम चैनल CACS अमित तातेड़ का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। भारत माता की जय मालिक, तोड़ मालिक ओके। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपने ध्यान रखना है टेलीग्राम चैनल के कॉन्सेप्ट में, मतलब ये दिमाग में बैठा मालिक ओके। तो अब जो कहानी बढ़ा रहे ये वाला ये बेसिक चीज हो गई जो आपको मालूम होनी चाहिए थी ईओबी बैच के रिलेटेड ओके। इसके अलावा और कोई क्वेरी रही कुछ रहा तो आप मेरे को इसमें मैसेज डालिए ओके, मैं आपको रिस्पांस करता हूं इंडिविजुअल क्वेरी के हिसाब से। बाकी अदर देन दैट ये पॉइंट मेरे ख्याल से इनफ है। और अगर ये बैच परचेस करनी है, अगर कोई किसी ने अभी तक ये बैच परचेस नहीं किया है तो www.atacademy.co.in पे जा सकते हो ओके। ये एटी अकेडमी से कॉल कर सकते हो या वीस्मार्ट के थ्रू कॉल कर सकते हो, वीस्मार्ट पे भी आपको ये ऐप ये बैच मिल जाएगी, वीस्मार्ट के थ्रू ही ये बैच मिल जाएगी। एंड इसके अलावा आपको परसेप्ट पे भी ये बैच मिल जाएगी, परसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो आपको मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है जहां पर ये बैच आप देख सकते हो मालिक ओके। ये बैच के लिए खरीदने के लिए आप देख सकते हो इवन ओके ये बैच के साथ, एफएम के बैच के साथ। अगर आप एफएम भी देखना चाहते हो तो एफएम अपने प्रशांत सर है, प्रशांत राणा सर है, उनका एफएम का भी कॉम्बो ऑप्शन अवेलेबल होता है मालिक ओके। तो प्रशांत सर अपने साथ में एसएम एफएम के कॉम्बो में अवेलेबल है। मैं खुद ऑडिट भी पढ़ाता हूं तो ऑडिट की बैचेस भी आपको अवेलेबल रहेंगी मालिक, ईओबी बैचेस जो आगे टेलीग्राम चैनल में अपडेट्स मिलते जाएंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक, तो तोड़ मालिक। तो मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी क्लियर है और इसी से शुरुआत करते हैं अपनी आगे की कहानी, विच इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू योर ओके चैप्टर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल चैप्टर्स ओके। तो बैकग्राउंड बिफोर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप ये ध्यान रख लीजिए एसएम में हमारे पास कितने चैप्टर है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो पुराने सिलेबस में अपने पास 8 चैप्टर्स होते थे, अब हमारे पास हो गए 5 चैप्टर्स ओके। अरे माँ कसम सर, 8 के 5 हो गए तो मजा आ गया ना सर। अरे सर कम हो गया सर, ये तो लाइफ सेट हो गई सर। अरे मेरे भाई, उन्होंने सारा मर्ज करके 5 चैप्टर में बना दिया है ओके। उन्होंने ऑल टुगेदर 5 चैप्टर नहीं किए हैं, उन्होंने 5 चैप्टर ऐसा आप आगे 3 उड़ा दिए, 3 उड़ाए नहीं है,
तीन उड़ाए नहीं है, ये कॉम्बिनेशन करके इन्होंने पांच चैप्टर्स में सिलेबस बना दिया है। ओके, इन्होंने कॉम्बिनेशन करके ये सारा सिलेबस पांच चैप्टर्स में बना दिया। कितने चैप्टर्स मालिक? पांच चैप्टर्स में। अब पांच चैप्टर्स की बात करें तो पांच चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन में अगर मैं बोलूं टेक्निकली पुराना सिलेबस में जो उड़ाया है, किसी को अगर याद है ओल्ड सिलेबस नवंबर 23 वाला, उसमें शायद किसी को मालूम होगा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज करके होता था, वो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज की कहानी उन्होंने सिलेबस से उड़ा दी है। तो आपके सिलेबस में अगर मैं बोलूं पुराने सिलेबस से क्या उड़ गया है, तो फंक्शनल लेवल स्टडीज जो आपकी प्रोडक्शन होती थी, ओके मार्केटिंग होती थी, सप्लाई चेन होती थी, ये सब उड़ा दिया, एक्सेप्ट उसमें से कुछ कंटेंट रखा हुआ है, कंप्लीट ऑलमोस्ट मोटा मोटी पूरा उड़ा दिया, लेकिन इसमें से कुछ सिलेबस रखा हुआ है जो यहां पर कैरी फॉरवर्ड है। बाकी मोटा मोटी आपके जो आठ चैप्टर्स थे, ओके जो बचे हुए सात चैप्टर्स थे, वो आपके ऑल टुगेदर यहां पर आ जाते हैं, जो कंबाइन होके आपके कितने चैप्टर्स में बन जाते हैं मालिक? पांच चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में पांच चैप्टर्स की कहानी क्या है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की कहानी में चालू करने के पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिस्कशन कर लूं। ओके, बिफोर गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके यहां पर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली अ स्ट्रेटजी एंड व्हाट इज एग्जैक्टली अ मैनेजमेंट, उसके बाद मैं चैप्टर्स में जाता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग का पॉइंट मेरे को ये डिस्कशन करना जरूरी है। जब तक मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, ओके, तब तक मेरे को ये स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का कोई भी सिलेबस का लॉजिक बताना थोड़ा सा टेक्निकली सही नहीं लगता। तो सर सबसे पहले बात करते हैं, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओके स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी मतलब क्या। स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से आप सबको मालूम है, एक स्ट्रेटजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट होता है। अब स्ट्रेटजी एक शब्द ऐसा अगर आप देखोगे तो इट इज बेसिकली लिंक्ड विद ओके द विनिंग द वॉर, यानी अगर अपन जंग में जाते हैं तो जंग में जीतने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ये स्ट्रेटजी शब्द उससे लिंक्ड होता है। यानी व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का बेसिक मतलब अपन निकाल सकते हैं, ओके इट इज हैज टू डू समथिंग विद विनिंग द वॉर, विनिंग द वॉर मालिक, इट हैज टू डू समथिंग विद विनिंग द वॉर, विनिंग द वॉर यानी हमें जंग जीतनी है, उस कॉन्टेक्स्ट से ये स्ट्रेटजी शब्द आता है। तो अगर आज एग्जांपल हम ईओबी बैच कर रहे हैं, ये भी हमारी एक स्ट्रेटजी है, ये आपकी एक स्ट्रेटजी है। सर ईओबी बैच क्यों कर रहे हो? ये स्ट्रेटजी है टू विन द वॉर। वॉर कौन सी है? एग्जामिनेशन, मे 24 एग्जामिनेशन के लिए आपको अगर जंग जीतनी है, मे 24 एग्जामिनेशन की अगर आपको जंग जीतनी है मालिक, तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसमें पहली स्ट्रेटजी होगी आपकी ईओबी बैच। ये पहली स्ट्रेटजी होगी, ये पूरी स्ट्रेटजी नहीं है। ईओबी बैच के बाद मालिक आपको पढ़ना भी पड़ता है भाई साहब, बिना पढ़े तो काम नहीं होता ना मालिक। तो भाई साहब आपको पढ़ना भी पड़ता है, तो आपका अगला पड़ाव आता है कि भाई यार पढ़ाई करनी। अब पढ़ाई करने के लिए आप प्लान बनाओगे, तो स्ट्रेटजी के बेस पे प्लान बनेगा। अब मेरे को बताओ ईओबी बैच किए बिना अभी तो पढ़ाई हो सकती है? नहीं, ऐसा थोड़ा है। ओके, ईओबी बैच के बाद भी पढ़ाई हो सकती है, ईओबी बैच के किए बिना भी पढ़ाई हो सकती है, ईओबी बैच के साथ भी पढ़ाई हो सकती है। बस मेरे को बताओ आपको खुद को जो पढ़ाई करनी होगी किसमें टाइम कम लग जाएगा, किसमें आपको दिक्कत कम आएगी, किसमें क्लैरिटी ज्यादा रहेगी, बैच होने के बाद या बैच किए बिना? बैच होने के बाद ना मालिक, दैट्स इट, दिस इज एग्जैक्टली स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट। तो आपने क्या किए, आपने आपके रिसोर्सेस बैच में लगाए ताकि आपको आगे की मेहनत थोड़ी सी कम रहे। ओके, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड स्ट्रेटजी, रिसोर्सेस कम लगाए यहां पर। ओके, कहां पर आगे रिसोर्स कम लगाने हैं, ताकि आज आप रिसोर्स ज्यादा लगा के आप आगे का काम कम करोगे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। लेकिन यही कॉन्सेप्ट अगर आप बैच नहीं करते हो, आप खुद की पढ़ाई करते हो, तो आपने क्या सोचा, आपने सारे रिसोर्सेज आपकी खुद की पढ़ाई में लगाने हैं, दिस इज नथिंग बट ए स्ट्रेटजी ऑल्सो। दोनों स्ट्रेटजी है, ओके ये भी स्ट्रेटजी है जिसके वजह से आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, ओके पहली वाली भी स्ट्रेटजी है जो बैच करके करने वाले हो, ये भी स्ट्रेटजी है। लेकिन स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव क्या था? ओके विनिंग द वॉर, विनिंग द वॉर मतलब एग्जामिनेशन क्लियर होना, भारत माता की जय मालिक। एग्जामिनेशन क्लियर होना ये मेरा मोटिव है मालिक, ये एग्जामिनेशन क्लियर होना। अब एग्जामिनेशन क्लियर होने के लिए किसी की स्ट्रेटजी वैसी होगी, किसी की स्ट्रेटजी वैसी होगी, ये मैंने आपके साथ डिस्कशन में डाला है मालिक। तो स्ट्रेटजी कैसे, किसकी क्या है, ओके किसकी सक्सेसफुल हो सकती है, किसकी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, व्हाटएवर इट मे बी, बट दिस इज एग्जैक्टली ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी का पॉइंट समझा। अच्छा, और ऑल टुगेदर ये जो चैप्टर वन है इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूं मालिक, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी मालिक, टेलीग्राम चैनल। ओके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उसके टेलीग्राम पे चैनल पे जाइए। ऑलरेडी आज का जो डेट है मतलब 22nd जय श्री राम मालिक। ओके, उस दिन शाम को ऑल टुगेदर मैंने ऑल टुगेदर ये चैप्टर वन शेयर कर दिया हुआ है, तो वहां पर आप जाके ओके ये डेट के साथ देख के इर्द गिर्द देख के आप देख सकते हो, चैप्टर वन वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चैप्टर वन की कॉपी और एक चैप्टर की कॉपी डाल दूंगा ताकि और इजी एक्सेस हो जाए, तो टेक्निकली आपका काम हो जाए जब तक हार्ड कॉपी नहीं आती तब तक मालिक। ओके, मेरे ख्याल और उसके पहले तक मेरे को लगता है हार्ड कॉपी तो आ जाएगी, उसके पहले हार्ड कॉपी का कोई दिक्कत नहीं आएगा, और मतलब ऑल टुगेदर हार्ड कॉपी आ जाएगी मालिक।
तो सवाल उठता है ओके सर, ये जब जब बात आती है चैप्टर वन के कंटेक्स्ट की, उसके पहले अपना आज कुछ, मैं वापस बोल रहा हूं, आज का आपका एजेंडा है बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करना। मैं कोई चैप्टर वन चालू नहीं कर रहा मालिक, मैं डायरेक्टली चैप्टर वन अपन चालू करेंगे कल सुबह, लेकिन चैप्टर वन पूरा बैकग्राउंड समझ लीजिए। मैं वापस बोल रहा हूँ ओके, पुरानी चीजें भूलिए जो नवंबर 23 वाले हैं, और जो ये बैच पहली बार देख रहे हैं, शायद आपने कहीं और बैच किया होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट कुछ क्लैरिटी नहीं है और आप ये बैच कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस पॉइंट ये है कि आप आज के एजेंडा में समझिए, क्लैरिटी लीजिए कि मेरे को क्या समझाना है। मेरे को क्या समझाना मतलब, मेरे को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहले ग्राउंड लेवल पे आपको क्लियर रखना है, और उसके बाद वो पांच चैप्टर कौन से है, किस वे से लिंक्ड है, कैसे लिंक्ड है, ये समझना जरूरी है मालिक। ओके, तो पहला पॉइंट मेरा क्वेश्चन आता है सर स्ट्रेटेजी क्या हुआ, तो लॉजिक याद रखना, स्ट्रैटेजी मतलब इट हैज टू डू समथिंग विद विनिंग द वॉर, इट हैज टू डू समथिंग विद विनिंग द वॉर। ओके स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी की बात करें तो लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ओके, मैं क्या करने वाला हूं आगे, उसका एक ब्लूप्रिंट होगा, उसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी मतलब क्या, स्ट्रैटेजी मतलब आपको ऑलटुगेदर मैंने एग्जाम्पल दे दी है। अब एग्जाम्पल में अगर आप एक मेरे ख्याल से सबने पीछे मतलब ये मूवी देखी होगी बाहुबली, बाहुबली नहीं देखी होगी तो मालिक बाहुबली देख लीजिए, एटलीस्ट बाहुबली वन देख लीजिए मालिक, क्योंकि बाहुबली पिक्चर मिस करना एक अपने आप में एक नुकसानदायक चीज है मालिक। बाहुबली जैसी पिक्चर है भाई यार, वैसे साउथ इंडिया की मूवी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया की मूवी सबसे बेहतरीन होती है मालिक। बाकी मतलब बॉलीवुड नहीं अच्छा, ऐसा मैं डिबेट नहीं कर रहा, ओके हर जन का अपना अपना चॉइस है, बट मैं ये बताऊं साउथ इंडियन मूवीज देखने का मजा ही अलग होता है। ओके, मां कसम साला दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ओके जो हीरो को मन करता है वो सब कर सकते हैं। अब इमेजिन करो आप साउथ इंडिया मूवी देखने के बाद आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हो यार, क्या फील रहेगा मालिक। अब टेक्निकली समझो, आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो, ये पॉइंट है। तो आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, तो आपने बाहुबली पिक्चर में आपने ये देखा होगा मालिक, ओके बाहुबली में अगर आपने देखा होगा जब वो पहले वाले वापस बोलो बाहुबली वन में, तो आपको मालूम है ओके वो लड़ाई करने जाते हैं, ओके तो बाहुबली ओके महेंद्र बाहुबली मतलब अमरेंद्र बाहुबली महेंद्र बाहुबली मालूम है ना उसके बापू, ओके वो जब स्टडी बनाता है ओके, तो मालूम है ना एक कालिया विलन रहता है एकदम, ऐसा कुछ है मालूम है ना, लड़ाई होती है तो उस टाइम पे ओके कटप्पा और बाहुबली ओके ये सब लोग एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिसको ये लोग बोलते हैं त्रिशूल व्यू। त्रिशूल व्यू मतलब किसी को एंटर नहीं करने देंगे और हम उससे लड़ाई करेंगे। ओके, दिस वाज कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी। डेफिनेटली अगर आपने देखा वो स्टडी फेल हो गई थी, त्रिशूल व्यू फेल हो गया था। ओके, वो लोग जो भी विलन था, जो भी एनिमीज थे, वो लोग ने वापस उन पर कब्जा कर लिया था। डेफिनेटली वो बाहुबली की वजह से वापस वो लड़ पाए। Whatever, बाहुबली ने भी वापस स्ट्रैटेजी क्या बनाई, अरे यार क्या है मृत्यु, ओके दुश्मन को पीठ दिखा के भागना है मृत्यु, ये सब ऐसा किया था। अगेन द रिवर्स स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी अगर अपन इसको बात करें तो, शायद एक आपको समझा होगा, एक दो स्ट्रैटेजी होती है, एक होती है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, एक होती है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब प्लान स्ट्रैटेजी होती है, रिएक्टिव मतलब सिचुएशन बेस्ड स्ट्रैटेजी होती है। तो जब बाहुबली ने रात मतलब एक दिन पहले बनाई थी त्रिशूल व्यू स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं अपन प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी मालिक, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। लेकिन उसको मालूम पड़ गया भाई यार मतलब प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी फेल हो गई, त्रिशूल भी फेल हो गया। ओके, तो फिर बाद में बाहुबली ने मोटिवेशन लाया, ओके भाई साहब सबको वापस मोटिवेट किया सबको मारने के लिए। आप इमेजिन करो दिस वॉज नथिंग बट रिएक्टिव स्ट्रेटजी, यानी हम स्ट्रेटजी के साथ गए, स्ट्रेटजी फेल हुई, ओके आपने वापस उसको रिएक्ट किया, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव स्ट्रेटजी। भारत माता की जय, समझा गया मालिक, तोड़ मालिक तोड़ मालिक। You are cute, sir, in acting. Thank you. अभी ये cute का मतलब क्या है? तो किस एंगल से cute बोल रहा है? Cute मतलब actually cute या वो मेरा वाला cute? अगर मैंने किसी को cute बोला तो मैं वो शब्द यूज करता हूं मालिक, जो मैं कहीं पर प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपन यूज नहीं कर सकते, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बहुत कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। तोड़ मालिक, ओके नेवरटेलेस जो सब टेक्निकली आपने समझा, यानी स्ट्रैटेजी ओके एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंपनी आगे क्या करने वाली है, कंपनी किस डायरेक्शन में जाने वाली है, कंपनी क्या करने वाली है, इसका एक ब्लूप्रिंट बनाना इज नथिंग बट दैट कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी का मतलब एकदम सिंपल सा याद रखिए मालिक, ओके तो स्ट्रैटेजी का मतलब ओके स्ट्रैटेजी का मतलब एकदम सही तरीके से याद रखिए मालिक, तो तोड़ मालिक। तो स्ट्रैटेजी का मतलब सही तरीके से मतलब क्या है मालिक, स्ट्रैटेजी मतलब क्या मालिक? सर आपका क्यूट का मतलब क्या मतलब है? दोस्तों के साथ अपन जब एक शब्द यूज करते हैं क्यूट मतलब वो चालू होता है वो समझ ले, क्यूट 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 सी से चालू हो रहा ना,
अपन अपने दोस्तों के साथ जो यूज करते हैं वैभव भाई, वही रहते दोस्तों के साथ। अभी आप बोले सर हमने तो यूज नहीं किया, ठीक है भाई अच्छा बच्चा है तो क्यूट है तेरे लिए आंसर, तूने वो शब्द यूज नहीं किया था तेरे लिए आंसर क्यूट है, स्ट्रैटेजी तोड़ मैन तोड़। तो नेवरलेस तो मेरे ख्याल से पहला कॉन्सेप्ट पेज वेज अभी अभी बुक में मत जावा, मतलब मैं अभी बुक रिफर ही नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं बुक मतलब कल से चालू करूंगा, मैंने आपको बता दिया। आज आप डेफिनेशन स्ट्रक्चर ये समझ रहे हो मालिक, तो सबसे पहले बस मेरे को आपको कुछ समझाना है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, द टर्म स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन्स डिजायर्ड इमेज डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। तीन शब्द कौन से कौन से, ओके भाई साहब तीन शब्द क्या है, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज डिजायर्ड इमेज क्या चाहिए उनको, उनको डेस्टिनेशन क्या चाहिए, उनको डायरेक्शन क्या चाहिए, तीन वर्ड आपको ध्यान रखना होगा। तो जब भी मैं आपको बोलूं स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब आपको डेफिनेशन तोड़ रटो, ओके लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड, डिजायर्ड मतलब इच्छा रखी हुई, इमेज डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, हाउ इट वांट्स टू डू द थिंग्स एंड वेयर इट वांट टू गो। उनको करना क्या है, उनको कैसे करना है, उनको कहां पहुंचना है, उनको कैसे करवानी है चीजें, ये सब चीज इनकी जो प्लानिंग होती है ना, ये स्ट्रैटेजी बोली जाती है। अच्छा एक चीज याद रखना, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी शुड नॉट बी मिक्स्ड विद प्लान, प्लान एंड स्ट्रैटेजी बोथ आर डिफरेंट, स्ट्रैटेजी अलग है प्लानिंग अलग होती है, स्ट्रैटेजी अलग होती है बेटा प्लानिंग अलग होती है, तो स्ट्रैटेजी और प्लान ये दोनों अलग अलग होते हैं, भारत माता की जय, समझा मालिक। तो स्ट्रैटेजी एंड प्लान कैन नेवर बी द सेम, ओके बिकॉज स्ट्रैटेजी के बाद प्लान बनता है, लेकिन इसको ऐसा ही टर्म यूज किया जाता है, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज एंड डेस्टिनेशन डायरेक्शन। तो लॉजिकली अभी आप मेरे को समझ गया, अगर कोई कंपनी है और कंपनी कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे वो सक्सेसफुल हो मार्केट में, ऐसा कुछ करना चाहती है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो मार्केट में, समझ में आ रहा है, वो जो कर रही है उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटेजी, उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटेजी, प्लीज डू अंडरस्टैंड। तो और एक एक और एक और एक तोड़ मालिक, ओके एकदम ध्यान रखना, क्या यहां पर स्ट्रैटेजी शब्द में लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसा ये लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट यानी एग्जांपल स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग रेंज ओनली, ऐसा ऐसा कंटेक्चुअली कभी दिमाग में मत बिठाना, ये रटने के लिए अपन रख रहे, लेकिन अपन जैसे जैसे आगे जाएंगे तो अपने को समझेगा स्ट्रैटेजी इवन शॉर्ट टर्म डिसीजंस भी होते हैं मालिक, खाली लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं होते, शॉर्ट टर्म डिसीजंस भी, शॉर्ट टर्म डायरेक्शंस भी स्ट्रैटेजी में आते हैं, ओके एग्जांपल टेक्निकली एग्जांपल उसके अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब वो जाएंगे, लेकिन लॉजिकली ये डेफिनेशन है, लेकिन इसमें अपन देखेंगे कैसे ये कॉन्टेक्स्ट आता है मालिक। तो आज के डेट में पहला पॉइंट आपके दिमाग में आ गया स्ट्रैटेजी, ओके स्ट्रैटेजी का मतलब होता है ओके लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। अब ये स्ट्रैटेजी और एक एग्जांपल देता हूं, अगर कोई कंपनी है ओके जिसको मालूम है उसका कंप्यूटर कुछ कर रहा है, ओके कंप्यूटर मार्केट में पेनिट्रेट होने के लिए कुछ कर रहा है, तो अपन कुछ और करते हैं उसको भी हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी दो तरह की होती है, एक होता है प्रोएक्टिव, एक होती है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव होती है प्लान स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव होती है ओके कुछ चीजों को रिएक्ट करने के हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी बनाई है। एग्जाम्पल मैं बहुत प्लान्ड तरीके से ओके अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं मार्केट में, इसको बोलते हैं प्लान्ड स्ट्रैटेजी, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। एक ऐसा है कि ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, कोई कंप्यूटर लॉन्च कर दिया है, उसने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके एक सामने मैं एक अपना नया प्रोडक्ट लेके आऊंगा, इसको बोलते हैं हम रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों में डिफरेंस समझा गया मालिक, ओके यानी एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आरएनडी करके कुछ लॉजिक निकालती है, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। एप्पल जो स्ट्रैटेजी बनाता है, एप्पल फोन जो निकालता है, अभी विजन प्रो निकाला है अगर आपने देखा होगा तो उसकी वीडियोस वगैरह, तो विजन प्रो निकाला है या फोन निकाल रहा है, ये कौन सी स्ट्रैटेजी होती है, ये प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन उसको देख के ओके अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कोई दूसरे उसके हिसाब से फोन निकालती है या उसके हिसाब से विजन प्रो निकालती है यानी चश्मा वगैरह निकालती है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी मानी जाएगी, वो मानी जाएगी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए मालिक, तो अगर आप प्लान तरीके से गए तो प्रोएक्टिव, अब प्लान तरीके से नहीं गए तो रिएक्टिव, ओके दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप पढ़ाई करके एग्जामिनेशन दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। एग्जामिनेशन दिया, रिजल्ट आया, फेल हुआ और उसके बाद आपने पढ़ाई की, यानी इसका एज्यूम कर रहा हूं मैं पहले पढ़ाई नहीं की थी और रिजल्ट फेल आया और उसके बाद आपने पढ़ाई चालू की, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट मालिक, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव रिएक्टिव अलग अलग होती है मालिक, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, ठीक है मालिक, ओके। अपना मालिक अपना सिलेबस का नाम क्या, अपना सिलेबस का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो क्या हमें खाली स्ट्रैटेजी समझनी है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझना है, हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझना है मालिक, हमें खाली स्ट्रैटेजी नहीं समझनी है, स्ट्रैटेजी तो हमें समझ में आ गई मालिक, लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझना है मालिक, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हियर।
तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए मैनेजमेंट को अपन दो शब्दों में पकड़ सकते हैं मालिक। मैनेजमेंट अगर मैं बोलता हूं ओके भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, इसका इंटरप्रिटेशन दो एंगल से जा सकता है। सर कौन से दो एंगल से? पहला एंगल ओके मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। टेक्निकली समझा मालिक, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ये एक आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर ऐसे हो सकता है ओके मेरा बिजनेस मैनेज हो रहा है बाय प्रोसेसेस, यानी मेरे पास जो प्रोसेस है उससे बिजनेस मैनेज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी अगर मेरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए उसको भी हम मैनेजमेंट बोलते हैं, और मेरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए प्रोसेस चाहिए उसको भी हम मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके देखो ना अपन ऐसे कैसे बोलते हैं यार मेरा देखना मेरा बुक बनाने का काम मैनेज हो रहा है ओके जिसका मतलब क्या है? अब ये एग्जांपल इसके एंगल दो जा सकते हैं। एग्जांपल इसमें कोई लोग होंगे जो ये सब मैनेज कर रहे हैं, या दूसरा एग्जांपल वो कोई प्रोसेस होगा जो कोई फॉलो करके उसको मैनेज कर रहे हैं। तो अगर टेक्निकली मैनेजमेंट की बात करें तो इसको दो एंगल से लिया जाता है। अब सवाल होता है एग्जांपल एक मैनेजमेंट की एग्जांपल करें, लोग होते हैं, लोग कौन से होते हैं? अगर आपने देखा होगा टॉप मैनेजमेंट होता है, मिडिल मैनेजमेंट होता है, लोअर मैनेजमेंट होता है, सुना ही होगा ये वर्ड टॉप मिडल लोअर, ऐसे शब्द सुने होंगे मालिक। तो जब मैं बोल रहा हूँ टॉप मैनेजमेंट, जब मैं बोल रहा हूँ मिडल मैनेजमेंट, जब मैं बोल रहा हूँ लोअर मैनेजमेंट, अब जब ये मैनेजमेंट की बात आती है, जब ये इस कंटेक्स्ट में मैनेजमेंट की बात आती है टॉप मिडल लोअर, तो आपको ये समझना जरूरी है कि टॉप मिडल लोअर मैनेजमेंट जब डिस्कस किया जाता है तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया मैनेजमेंट का, दैट यहां पर लोग है ओके और जो मैनेज करने के लिए प्रोसेस चाहिए, ये एक और एक एग्जांपल हो गया जहां पर अपन बोल रहे हैं कि प्रोसेस है। तो यहां पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अपन मैनेजमेंट को कौन सा एंगल से लेंगे? क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम लोगों को लेंगे या हम प्रोसेस को लेंगे? तो यहां पर डिस्कशन ऐसा होता है, हम ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। हम बोलते हैं यहां पर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट शब्द है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट जो शब्द है यहां पर, इसको हम प्रोसेस मानते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो बनाने वाले हैं या प्रोसेस को जो बैकअप करने वाले लोग हैं, बैकअप करने वाले हैं वो लोग हैं। यानी ओके इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी यहां पर मैं खाली ये नहीं बोलूंगा ये प्रोसेस है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऐसा नहीं बोलूंगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये खाली मैनेजमेंट है ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, मैनेजमेंट मतलब लोग है ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो लॉजिकली अगर इसको एक थोड़ा सा देखे तो यहां पर आप देखना ओके यहां पर ओके किस तरह से वर्डिंग दी हुई है, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। शब्दों को देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस, यानी अब यहां पर आपको समझना जरूरी है प्रोसेस ही है। मैं इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात कर रहा हूं। वैसे मैनेजमेंट के दो डेफिनेशन है, अगर आप दो डेफिनेशन है कल देखेंगे दो डेफिनेशन जाते वक्त, अभी के लिए मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैनेजमेंट बता रहा हूं। मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है टू मेक थिंग्स हैपन, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, टू गेन कमांड ओवर फिनोमा और टू इंड्यूस और डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन ए पर्टिकुलर मैनर। यानी ओके एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से कुछ चीजें हो रही है या कुछ कमांड दिया जा रहा है ओके या कुछ इवेंट्स डायरेक्ट किए जा रहे हैं ओके एंड पीपल को डायरेक्ट किया जा रहा है इन पर्टिकुलर मैनर ओके यानी एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। अब सवाल होता है प्रोसेस तो मैं समझा सर, प्रोसेस मतलब एक दो तीन चार स्टेप्स, इन्फ्लुएंस प्रोसेस मतलब क्या? इन्फ्लुएंस मतलब कोई तो लोग है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, इसीलिए आगे क्या दिया है इन्फ्लुएंस ओके इज बैक्ड बाय पावर कॉम्पिटेंस नॉलेज एंड रिसोर्सेज। यानी जिस बंदे के पास पावर है, जिस बंदे के पास नॉलेज है, जिस बंदे के पास कॉम्पिटेंस है, जिस बंदे के पास रिसोर्स है ओके वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप समझ रहे हो मालिक, आप समझ रहे हो टेक्निकली समझ रहे हो, यानी टू बी वेरी प्रिसाइज टेक्निकली आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट मालिक, टेक्निकली वेरी प्रिसाइज ओके। जब मैं बोल रहा हूं व्हाट इज मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का लॉजिक अगर मैंने बोला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मैनेजमेंट बताइए, तो आपको याद रखना है मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस विच विल मेक थिंग्स हैपन ओके। एक ऐसा प्रोसेस है जो थिंग्स हैपन मतलब वो थिंग्स परफॉर्म करेगा या कुछ इवेंट्स डायरेक्ट करेगा ओके या कुछ कमांड देगा, तो कुछ चीजें तो वर्ड याद रखिए इन्फ्लुएंस प्रोसेस है ओके वो तीन चीजें करता है, या तो ओके चीजें करता है या कमांड देता है ओके और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके या इवेंट्स को डायरेक्ट करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इन्फ्लुएंस कैसे होता है, ये इन्फ्लुएंस होता है या तो पावर से, या तो कॉम्पिटेंस से, या तो नॉलेज से, या तो रिसोर्स से। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास
कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास या तो पावर होगा, कॉम्पिटेंसी होगी, नॉलेज होगा और रिसोर्स होगा, जिन्होंने कुछ प्रोसेस बनाए होंगे और वो प्रोसेस में चीजें हो रही है, कमांड दिया जा रहा है, इवेंट्स को किया जा रहा है. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली है मैनेजमेंट हियर. तो इसका मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट शब्द है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शब्द है मेरे को बताइए, सोच समझ के बताइए, क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट शब्द इज ओनली अ प्रोसेस? नो, इट इज अ इन्फ्लुएंस प्रोसेस. इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? जिसके पास पावर है, कॉम्पिटेंस है, नॉलेज है एंड रिसोर्स है. अब मेरे को बताओ, जो ऑर्गेनाइजेशन में होंगे ओके, वो स्टाफ होगा क्या जिसके पास पावर है, या मैनेजमेंट होगा जिसके पास पावर है? सोच के बताइए, डे टू डे ऑपरेटिंग स्टाफ होगा जिसके पास पावर है, या मैनेजमेंट है जिसके पास पावर होगी मालिक? ओके, क्या वो स्टाफ होगा जिसके पास कॉम्पिटेंस है, या वो मैनेजमेंट है जिसके पास कॉम्पिटेंस होगी? क्या वो स्टाफ होगा जिसके पास नॉलेज है, या मैनेजमेंट होगा जिसके पास नॉलेज है? और रिसोर्स किसके पास होंगे, मैनेजमेंट के पास या स्टाफ के पास? स्टाफ के पास क्या रिसोर्स होंगे यार, स्टाफ तो खुद ही काम कर रहा है, स्टाफ खुद ही एक रिसोर्स है मालिक. तो रिसोर्स किसके पास होंगे? मैनेजमेंट के पास होंगे. तो टू बी वेरी प्रिसाइज, याद रखना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जब भी मैं बोलूं मैनेजमेंट ओके, हमेशा याद रखना इट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस. क्या बोला मैंने? इन्फ्लुएंस प्रोसेस. इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस. कौन से प्रोसेस? मैनेजमेंट प्रोसेस या मैनेजरियल प्रोसेस. आप उसको मैनेजमेंट प्रोसेस बोलिए या मैनेजरियल प्रोसेस बोलिए, आंसर रिमेंस द सेम. इट कैन बी ए मैनेजरियल प्रोसेस. तो अब मैं आपसे कुछ डेफिनेशन पूछ रहा हूं सर ओके. तो टू बी वेरी प्रिसाइज, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए ओके. तो अभी के लिए ओके इसमें डाल देता हूं. चैप्टर वन एसएम. चैप्टर वन एसएम मैनेजमेंट. चैप्टर वन एसएम मैनेजमेंट यानी आप पॉइंट ये है, अपन ने बड़ी पढ़ी स्ट्रेटजी. सारी आत्मा मेरे साथ ओके. सर क्या हम इसके नोट्स वोट्स कुछ बना सकते हैं? अगर किसी का कोई पॉइंट है तो मैं जो लिख रहा हूं आपको चाहिए तो आप एक रफ बुक बना लीजिए, मैं जो लिख रहा हूं उसको आप यूज कर सकते हो. वैसे मैं ये बाद में सब शेयर कर दूंगा ड्राइव पे, जो आपको ये यूबी बैच की गूगल ड्राइव लिंक आएगी उसके अंदर एक फोल्डर आ जाएगा स्क्रीन शीट्स, उसमें मैं स्क्रीन शीट भेजूंगा. जो मेरे मेन बैच में लिखी हुई है वही सारी शीट्स वहां पर शेयर कर दूंगा. तो आपको मतलब सारे एग्जांपल तो वही रहेंगे, तो वो एग्जांपल वो शीट्स वहां पर शेयर हो जाएगी. तो अगर आपको नहीं लिखना है तो वो शीट्स वहां से देख सकते हो. और अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मैं साथ साथ में आपके कुछ लिखना चाहता हूं ओके, कुछ करना चाहता हूं, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं दुनिया इधर उधर करना चाहता हूं, तो तू कर सकता है ओके. तो साथ में थोड़ी सी मेहनत कर ले, साथ साथ में तू नोट्स बना ले, और साथ साथ में जो मैं बता रहा हूं मैं लिख रहा हूं उसके रनिंग नोट्स बना दे मालिक. बात खत्म. तो रनिंग नोट्स में तेरे को काम हो जाएगा मालिक ओके. तो स्ट्रेटजी सबसे पहले अपने स्ट्रेटजी में समझा क्या है, लॉन्ग टर्म ओके और लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ओके. ये आपको तो समझ में आ गया ब्लूप्रिंट है. अब ये लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ये किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का. तीन चीजों का डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशन. डिजायर्ड क्या है? डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन ओके. डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन. समझ में कुछ आया मालिक एवरीबॉडी ओके. इसके बाद दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या शब्द है? मैनेजमेंट में अपने को मैनेजमेंट दो डेफिनेशन से था, लेकिन अब मैं कंबाइन वाला यूज कर रहा हूं. मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस ओके. जो इन्फ्लुएंस प्रोसेस करता है, ये प्रोसेस क्या करता है? ये प्रोसेस तीन चीजें करता है. या तो ये प्रोसेस कुछ परफॉर्म करवाता है काम ओके, कुछ काम परफॉर्म करवाता है, या कुछ ऑल टुगेदर कमांड देता है ओके, या ऑल कुछ इवेंट्स को डायरेक्ट करता है ये प्रोसेस. और ये इन्फ्लुएंस कैसे होता है? ये इन्फ्लुएंस ओके नॉलेज से होता है, कॉम्पिटेंस से होता है, नॉलेज से होता है, कॉम्पिटेंस से होता है, पावर से होता है, रिसोर्सेस से होता है ओके. तो नॉलेज, कॉम्पिटेंस, पावर, रिसोर्सेस. तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर जो मैनेजमेंट डिस्कस किया जा रहा है वो हम मैनेजरियल प्रोसेस की बात कर रहे हैं? मैनेजरियल प्रोसेस की बात कर रहे हैं या ऑल प्रोसेस की बात कर रहे हैं? एम आई डिस्कसिंग ऑल प्रोसेस जो डे टू डे स्टाफ भी फॉलो करेगा, या मैनेजरियल प्रोसेस ओके? यानी हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं? जब मैंने आपको ये दोनों जो येलो किया है वो डेफिनेशन पढ़ाया और इन दोनों को सबको कंबाइन करके मैंने समझाया, तो हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं? जो डे टू डे एम्प्लॉय का प्रोसेस है या मैनेजरियल प्रोसेस है? मेरे को बताओ, एम आई डिस्कसिंग एज कॉमन प्रोसेसेस और इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेसेस? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस ऑल फोर थिंग्स, एंड दिस ऑल फोर थिंग्स आर टेकन केयर बाय हूम? मैनेजमेंट. तो ये प्रोसेस कौन सा है?
प्रोसेस ही है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस ही है, लेकिन हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं? हम सारे प्रोसेस की बात कर रहे हैं या मैनेजरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं? ये दिमाग में बिठा के रखना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैनेजरल प्रोसेस। एम आई क्लियर मालिक? तो हम मैनेजरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मैनेजरल प्रोसेस, इसको समझिए। अगर इसमें कुछ नहीं समझा तो मेरे को वापस बताइए, लेकिन टेक्निकली इसमें समझ के रखिए। वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैनेजरल प्रोसेस। भारत माता की जय। एवरीबडी क्लियर मालिक? सर क्या मैनेजर प्रोसेस के अलावा भी प्रोसेस होते हैं? आंसर इज यस। सर कौन से प्रोसेस जो स्टाफ फॉलो करते हैं? ओके, तो एग्जांपल मेरे को बताओ, क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्यून्स काम करते हैं? जो प्यून्स चाय कॉफी वगैरह ये करने वाले भी काम करते हैं? आंसर इज यस। क्या उनके भी प्रोसेस होंगे? वो कितने टाइम पे आते हैं, कितने बजे आते हैं? ओके, चाय किसको किसको देना है, क्या उनका भी एक प्रोसेस होगा? मेरे को समझाइए, बताइए मालिक, क्या उनका भी एक प्रोसेस होगा? आंसर इज यस। क्या उन प्रोसेस की हम यहां पर बात करेंगे? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या उस प्रोसेस की हम यहां पर बात करेंगे? नहीं ना, हम मैनेजरल प्रोसेस की बात करेंगे, मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात करेंगे जो मैनेजमेंट के लेवल के होंगे। तो यहां पर हम ऑल टुगेदर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट प्रोसेस, जो बेसिक प्रोसेस है, हम जो डिस्कस करेंगे वो मैनेजरल प्रोसेस की बात करेंगे। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्चुअली आपको समझा है, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूं, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं तो आपको समझा होगा। ओके, तो मैं कौन से प्रोसेस की बात कर रहा हूं? तो वी आर डिस्कसिंग, तो जब मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शब्द मिक्स करूं और आपके दिमाग में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। लेकिन कौन सा प्रोसेस है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है पूरा, यानी अब मैं कंबाइन कर रहा हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, पर कौन सा प्रोसेस है? ये एक मैनेजरियल प्रोसेस है, ये एक मैनेजर प्रोसेस है। समझ में कुछ आया मालिक? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक मैनेजरल प्रोसेस है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक मैनेजरल प्रोसेस है। सारी आत्मा मेरे साथ? ओके, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सुनिए मालिक, अब यहां पर एक क्वेश्चन है। जब मैं बात करूंगा, ओके, इस कॉन्टेक्स्ट की जब मैं बात करूंगा, मैनेजर प्रोसेस है, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलूं तो एक मैनेजर प्रोसेस है। इसका मतलब ओके, मेरे को बताओ, ये एक ऐसा मैनेजर प्रोसेस है जिससे मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। ओके, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वर्ड है ना, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरल प्रोसेस जिससे मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। अब मेरे को बताओ, ओके, क्या कोई भी कंपनी ओके डायरेक्टली स्ट्रेटेजी बनाती है या पहले आप विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ये रखते हो? मेरे को बताओ, अगर आपको एग्जाम देनी ही नहीं है May 24 की, ओके, कोई स्ट्रेटेजी बनाएगा ये बैच ज्वाइन करने का? आंसर इज नो। तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले आपके गोल्स चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, आपके विजन चाहिए, आपका मिशन चाहिए। ओके, अब मैं विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स डिटेल में अपन बाद में देखेंगे। ओके, कल परसों के लेक्चर में आएगा, परसों के लेक्चर में अपने को डिस्कशन करने मिलेगा मालिक, लेकिन टेक्निकली मैं आपको अभी समझा दूं, ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। देखिए, विजन एक ऐसी चीज होती है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को कहीं पर पहुंचना होता है, दैट इज कॉल्ड विजन। ऑर्गेनाइजेशन को कहीं पर पहुंचना होता है, उसको हम बोलते हैं विजन। सर टेक्निकल आंसर उसका क्या होगा? विजन का टेक्निकल आंसर, विजन का कॉन्टेक्स्ट ऐसा होगा, विजन का बोल रहा हूं मैं, खासकर विजन का बोल रहा हूं। टेक्निकल आंसर कुछ ऐसा होगा, विजन मतलब ओके, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को कहीं पर पहुंचना है, जैसे अपन ने बोला ना लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, यही ऐसा लॉन्ग टर्म ओके जो ऑर्गेनाइजेशन सोचा हुआ है कि वहां पर कहां पर पहुंचना है, उसको हम बोलते हैं विजन। मिशन मतलब हम जो अब काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिशन। एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो अभी काम कर रहे हैं, जिसको हासिल करना है, वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स माना जाता है। टेक्निकली बोलू तो आपको सीए बनके या तो प्रैक्टिस करनी है सीए बनके, या जॉब करनी है सीए बनके, टीचिंग में आना है, या सीए बनके कोई बिजनेस करना है, वॉट एवर इट मे बी, ये आपका विजन है। आप जो अभी इंटर की एग्जाम दे रहे हो, ये आपका मिशन है। मिशन अभी जो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई अभी आज जो बैठे हो क्लास में, ओके, ये होता है मिशन। और ये क्लास में बैठे क्यों हो? क्योंकि आपकी इंटर की एग्जाम May 24 में है, इसको बोलते हैं हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको टेक्निकली बहुत अच्छे से समझना होगा विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या है। तो आपको जो हासिल करना है ओके, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, उसको हम बोलते हैं विजन। अभी वो विजन हासिल करने के लिए हर साल को कुछ तो करना पड़ेगा ना, तब जाके 10 साल के बाद हासिल होगा ना। ओके, हर साल जो करोगे वो होगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और हर साल करने के लिए आज कुछ तो करोगे ना, आज कुछ तो करोगे ना, उसको बोलते हैं मिशन। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हो ओके, ये मिशन है, ये मिशन है। अभी आप बोलोगे सर आपने तो बोला था बैच ज्वाइन करना एक स्ट्रेटजी है। अरे सुनो मालिक, कंफ्यूज नहीं करना, आपने जो बैच ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, ये स्ट्रेटजी है आपकी। लेकिन आप सुबह 7 बजे उठ के मेरे साथ क्लास में बैठ रहे हो, क्यों बैठ रहे हो? ताकि आप पास हो जाओ, यानी आप एक मिशन पे निकले हो, आप मिशन पे निकले हो।
तो देखो एक बैच ज्वाइन करके आप पढ़ाई करोगे एक स्टडी, बिना बैच के पढ़ाई करोगे एक स्टडी, रिवीजन करके पढ़ाई करोगे एक स्टडी, बैच ज्वाइन करोगे, बैच ज्वाइन के बाद रिवीजन करोगे, रिवीजन के बाद मैराथन वगैरह वगैरह करके फिर एग्जामिनेशन दोगे, ओके टेस्ट सीरीज दोगे, दैट इज नथिंग बट ए स्टडी, समझ रहा है। लेकिन अब भी सुबह से लेकर रात तक बैठा है, ये आपका एक मिशन है, ये मिशन पे हो आप, और ये मिशन एक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर रहा है। कौन से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर रहा है मालिक? ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर रहा है, एंड दैट इज दैट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ किसका मालिक? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओके इंटर क्लियर होना May 24। वैसे टेक्निकली बात करें तो गोल्स अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव मोर प्रिसाइज होते हैं, गोल्स ऐसे प्रिसाइज नहीं होते हैं। यानी एग्जाम्पल आपने बोला मुझे इंटर क्लियर होना है, ओके दिया भी आपका गोल हो गया, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ओके तो अब सर गोल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कब होगा? जब आप बोलोगे मुझे इंटर क्लियर होना है May 24 में, अब ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, और इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आप जो आज मरवाओगे ओके इसको बोलते हैं मिशन। और जब मैं बोला मरवाओगे टेक्निकली आपको हार्ड वर्क करना होगा, ओके। और एक चीज मैं बोलना भूल गया भाई साहब, ओके जो मुझे जानते हैं ऑल टुगेदर, मतलब ये लेक्चर में ओके बहुत बढ़िया है, ओके ऑल टुगेदर जो मुझे पिछले अटेम्प्ट से जानते हैं या कहीं ना कहीं मुझे जानते हैं, तो मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छे से पता है, मेरी लैंग्वेज थोड़ी स्लैंग है, मैं गाली वाली नहीं देता, गाली देता तो वो क्यूट बोला तो मैं बोल देता ना वो क्यूट क्या है, तो मैं गाली नहीं देता, मतलब क्लास में ओके लेक्चर्स में गाली नहीं देता, बाहर दोस्तों के साथ तो भाई चलते रहता ना, लेकिन लेक्चर में मालिक लेक्चर में समझ में आ रहा है, तो गाली नहीं देता, तो मेरी लैंग्वेज स्लैंग है, तो मैं मरवाएंगे ये करेंगे, ये थोड़ा मुंबई लैंग्वेज है मालिक, अब कुछ कर नहीं सकते मालिक, मेरी बॉर्न एंड ब्रॉट अप जैसे रहा है उसके बाद जैसे बढ़ा है, तो इसका मतलब सर क्या आपकी फैमिली टपोरी है? अबे नाइब है, मेरा बापू भी सीए है, बापू मतलब पापा, पापा सीए है, मैं सीए हूं, मेरा भाई सीए है, तो अपनी फैमिली वेल ये पॉइंट में है, ओके अच्छे से है, सारी चीजें सही है, लेकिन टेक्निकली पॉइंट ये है, ओके समझ रहा है, ओके तो पर मेरी लैंग्वेज स्लैंग है, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे लैंग्वेज की वजह से आपको ऐसा लगे अरे माँ कसम क्या बोल रहे हैं सर, ओके माँ कसम तोड़, ओके जैसे लैंग्वेज आती है, तो जो ऑल टुगेदर जानते हैं तो ये याद रखना, तो कई पर मैंने बोला ना ओके अपन आज मरवाएंगे ये करेंगे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप बोलना मत, मतलब क्या अरे कैसा आदमी क्या बड़बड़ कर रहा, ओके हो सकता है किसी मतलब अगर कोई पेरेंट्स ने गलती से ये लेक्चर देख लिया तो पेरेंट्स बोले अरे माँ कसम कैसा आदमी है, ओके सीए है कि नहीं कंफर्म डाउट आने लग जाएगा, बट डोंट वरी आई एम वेरी हाईली क्वालिफाइड नॉट ओनली क्वालिफाइड हाईली क्वालिफाइड, आई मतलब मेरे पास टोटल 8 डिग्रीज है, ओके आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी, आई एम ए सीसा क्वालिफाइड, आई एम ए डीसा क्वालिफाइड, आई एम ए सीसम क्वालिफाइड, आई एम बीसीसीपी क्वालिफाइड, बीसीसीई क्वालिफाइड, ओके उसके अलावा एमबीए वाला कॉन्टेक्स्ट है, ओके और भाई बीकॉम तो है ही ना मालिक, तो मतलब आप समझ रहे हो मतलब ऐसा बहुत हाईली क्वालिफाइड हूँ, ओके और ये है, बट लैंग्वेज स्लैंग है मालिक, और ये लैंग्वेज अपनी फीलिंग है मालिक, यार कुछ कर नहीं सकता मालिक, तो मैं इसको पंटर लोग मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो आप थोड़ा सा समझ लेना मालिक, ओके तो टू बी वेरी प्रिसाइज, ओके तो जस्ट ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, तो भाई और बहनों तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो आप जो आज मरवा रहे हो मालिक, आज जो अपन कर रहे हैं, ओके तो मेरे को आप बताइए, आप कोर्स बताइए मेरे को बताइए, ओके ये क्या है, ये मिशन है, ये आपका आपका ये आपका ये आपका विजन नहीं है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो आप बोलोगे सर मैं पढ़ रहा हूं आज, ये विजन है नहीं रे भाई, ये विजन नहीं है, ये तेरा मिशन है, ये मिशन क्यों कर रहा है तेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव May 24 इंटर क्लियर होना है, समझ में कुछ आया मालिक, इधर तक क्लैरिटी आई मालिक, May 24 में इंटर क्लियर होना इज नथिंग बट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आज जो करना इज नथिंग बट मिशन, ओके एवरीबॉडी आज जो करना इज नथिंग बट मिशन, ओके May 24 में क्लियर होना इज नथिंग बट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आई डू थिंक एवरीबॉडी क्लियर, ओके तो मेरे को बताइए सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाए या विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करें, मेरे को बताओ क्या बिना विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के आप स्ट्रेटजी बना सकते हो, ओके मेरे को बताओ, ओके विजन सीए बनना नहीं है, विजन सीए बनना इज नॉट ए विजन, अगर मैं आप बोलोगे कोई बोलेगा मुझे सीए बनना एक विजन है, मैं बोलूंगा सीए बनना एक विजन नहीं है, सीए बनना अगेन एक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव माना जाएगा, सीए बन के क्या करोगे दैट इज कॉल्ड विजन, सीए बन के क्या करोगे दैट इज कॉल्ड विजन, यानी एग्जांपल सीए बन के प्रैक्टिस करनी है, सीए बन के जॉब करनी है, सीए बन के बिजनेस चालू करना है, इसको हम विजन बोलेंगे मोर प्रिसाइजली, ओके क्योंकि इंटर पास होना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फाइनल पास होना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सीए बनना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, आई डू थिंक ये क्लियर है समीर, क्लियर है समीर एवरीबॉडी, मेरे ख्याल से ये टेक्निकली क्लियर है, ओके अगर मैंने बोला ना मेरे को ये पास होना है तो इसका मतलब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, ये होके करना क्या है दैट इज विजन, तो अगर कोई कंपनी बोल रही है भाई मुझे 10 करोड़ कमाना है, ये विजन नहीं है, ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है,
कंपनी बोल रही है मुझे 100 करोड़ कमाना है, ओके ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, विजन नहीं है। कंपनी बोल रही है मुझे टॉप 10 में आना है, टॉप 3 में आना है, इंडिया का बेस्ट बनना है, इंडिया के इसमें मेरे को बेस्ट करना है, महाराष्ट्र में बेस्ट करना है, इसको हम बोलते हैं विजन। विजन ओके जी, आप 100 करोड़ कमा के क्या करोगे? 100 करोड़ कमा के मैं टॉप 3 में आऊंगा। अच्छा, टॉप 3 में आना इज कॉल्ड विजन। आई डू थिंक मेरे ख्याल से अभी क्लैरिटी है ये पॉइंट की पक्का, बिकॉज ये चीज जितनी क्लियर हो गई उतना आपके लिए आसान रहेगा, सही रहेगा मालिक। ओके, तो आपको टॉप 3 में आके करना क्या है, समझ में आया? तो आपको जो बनना है वो विजन है, मतलब जिधर पहुंचना है, जो अचीव करना है उधर पहुंचने के लिए उसको बोलेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो अभी कर रहे हो वो मिशन है। तो मेरा क्वेश्चन वापस एकदम सिमिलर तोड़ा रहा है मेरे को, आप बताइए ओके, क्या पहले मैं विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करूं या मैं पहले स्ट्रेटजी बनाऊं? सोच समझ के बताइए। मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव हूं अभी क्योंकि एक 5 पॉइंट्स मेरे को खत्म करने हैं, वो 5 पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं ओके, एकदम टेक्निकली तोड़ जाना है मालिक आपको, और जितना अच्छे से जाओगे उतना तोड़ जाएगा मालिक आपका, कॉन्सेप्ट आपका तोड़ रहेगा मालिक, गारंटी। तो मेरे को बताओ ओके, सबसे पहले टेक्निकली मैं स्ट्रेटजी बनाऊं या विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव बनाऊं, क्या लगता है आपको, स्ट्रेटजी या विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव? पहले विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव होगा, 100% क्लियर, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है ओके, अगर मैं विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं, विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव ये मैं पहले बना रहा हूं ओके, क्या मैं अभी विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद डायरेक्टली स्टडी बनाऊं या उसके पहले मैं एनालिसिस करूं, मेरे रिसोर्स कितने हैं, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेस क्या है? अच्छा, आपका विजन क्या है? सीए बनके मेरे को प्रैक्टिस करनी, एग्जांपल बोल रहा हूं ओके, आपका गोल्स ऑब्जेक्टिव क्या है अभी के लिए? इंटर मी 24 क्लियर होना ओके, मिशन है आपको पढ़ाई करनी है। अब क्वेश्चन है ओके, मेरे को बताओ स्ट्रेटजी बनानी है, क्या आप डायरेक्टली क्लास ज्वाइन करोगे या आप बिना क्लास के करोगे, रिविजन के थ्रू करोगे या क्लास करने के बाद टेस्ट सीरीज करोगे, क्या ये परमिशन कॉम्बिनेशन रहेगा ओके, यानी पहले डायरेक्टली आप स्ट्रेटजी बनाओगे या पहले अपने रिसोर्सेज देखोगे, क्या आपने स्ट्रेंथ देखोगे, क्या आपने वीकनेस देखोगे कि नहीं देखोगे, क्या अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स क्या ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, यानी टेक्निकली स्पीकिंग ओके, मेरे को बताइए क्या विजन मिशन गोल बनाते हैं, सीधा स्ट्रेटजी बनाते हैं या एनालिसिस करते हैं ओके, सोचिए ओके, डायरेक्टली आपने नहीं बोला मैं क्लास करूंगा, आपने दिखा कि भैया ठीक है मेरे को ये करना है, इंटरमीडिएट 24 क्लियर करना है, आपने बोला अच्छा मेरे को रिसोर्स कितने, मेरे को टाइम कितना है, जैसे मैंने क्या बोला ओके, आपको स्टार्टिंग में क्या बोला मैंने, आपको मैंने क्या बोला, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आप ईओबी बैच ही करिए, लेकिन आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो मेरा सजेशन रहता है रेगुलर बैच, क्योंकि यार टाइम है ये सब कुछ है, सिंगल ग्रुप में भी मैंने क्या बोला 2 पेपर वगैरह ऐसा कुछ कंटेक्स रहा, तो सर मालिक आपको ये समझना जरूरी है, आपका विजन तो ठीक है आपने विजन मिशन सेट कर दिया, इसके बाद आपका और एक एलिमेंट होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। अब मेरे को बताओ दो तरह के एनालिसिस याद रखना सर, दो तरह के एनालिसिस कौन से हैं, इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, दो एनालिसिस है, कौन से मालिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एनालिसिस ओके, जहां पर आप अपने बारे में एनालिसिस करते हो, एक्सटर्नल मतलब एनवायरमेंट के बारे में करते हो, एग्जाम्पल इंटरनल एनालिसिस आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से आपने डिसाइड किया कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या नहीं करना है, और एक्सटर्नल एनालिसिस एग्जाम्पल ओके, अभी एग्जाम कब होने वाली है, अब बहुत सारे डिस्कशन हो रहे थे कि मई में होगी या मई एंड में होगी या जून में होगी, वट एवर वो कभी भी हो, लेकिन ये एनालिसिस कर रहे हो ना अपन क्या ये एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं ओके। देखिए बहुत जन बोलेंगे सर क्या फर्क पड़ता है, मई में कभी भी हो, मई के स्टार्टिंग में हो या मई के बाद में हो, ऐसा नहीं है, इट इज बेसिकली डूइंग एन एनालिसिस, क्योंकि अगर मई एंड में होती है तो शायद मेरी स्ट्रेटजी चेंज हो जाए और मेरे को एक महीना मिल रहा है, शायद मैं रैंक के लिए भी जाऊं, व्हाई नॉट, अगर मेरे को एक एडिशनल महीना मिलता है, मेरे को एक 25 दिन भी एक्स्ट्रा मिलता है, मेरी पढ़ाई शायद और बेटर हो सकती है, मेरी और स्टडी और बेटर हो सकती है, मैं टेस्ट सीरीज और ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूं, मैं टेस्ट सीरीज के लिए घाई नहीं कर सकता, आप समझ रहे हो, दिस इज ऑल टुगेदर एन एनालिसिस। बहुत बार कोई मेरे को आगे बोलता है स्टूडेंट क्या फर्क पड़ता है सर, मैं एंड में हो या मैं स्टडी में हो, अरे भाई यार वो क्या फर्क पड़ता है, अरे मां कसम उसी की बेस पे अपना एनालिसिस, अरे यार स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स क्यों कर रहे हैं फिर अपन स्वॉट क्यों करते हैं, अरे यार मेरे स्ट्रेंथ वीकनेस है और अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना यार 25 दिन करके, तो 25 दिन कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर ए रैंक, 25 दिन कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर समथिंग लाइक दैट, आई डू थिंक एवरीबडी क्लियर मालिक। तो मेरे ख्याल से ओके, जिसका एनालिसिस बेसिकली आप बोलेंगे सर क्या करना है ओके, कैसे एनालिसिस रहेगा, तो यूजुअली इलेक्शन रहेगी तो लेट हुआ तो आपको टाइम मिल जाएगा, तो इस पॉइंट के लिए एनालिसिस करोगे आप, समझे मालिक। अच्छा, अब एनालिसिस कर लिया सर, ईओबी बैच में टेस्ट भी लोगे क्या? सर ईओबी बैच में आपको जो मैंने टेस्ट ली है, मैंने अपने मेन बैच में जो टेस्ट ली है वो मैं आपको इधर ड्राइव में शेयर करूंगा, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगी, अपने चैप्टर खत्म हो गए मैं आपको बोलूंगा अभी ये टेस्ट नंबर 1 जाके दीजिए, टेस्ट नंबर 1 आपको ड्राइव में अपलोड हो जाएगा वो दे दीजिए ओके। देखिए आपको इसके सजेस्टेड आंसर दे दूंगा, आपको चेक उसके सामने कंपैरिजन करना है,
चेक करके आपको उसमें नहीं मिलेगा। अगर चेक करके चाहिए तो कुछ मेरे को, मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, वहां से आप बात कर लीजिए। ओके, जो एडिशनल कुछ चेक करने की फीस होगी, एक 5-6 पेपर होंगे अपने, वो 6 पेपर की चेक करने की फीस होगी, उस फीस का बेसिक फीस होगी, ज्यादा कोई ऐसा है नहीं। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने कल याद दिला था, मैं कल अपडेट करता हूँ आपको। ओके, वो बेसिक फीस अगर आप उधर दे दो, क्योंकि अपने इधर ऑल टुगेदर पीएस एकेडमी, प्रशांत सर की जो एकेडमी है, पीएस एकेडमी, ओके, परफॉर्म द टेस्ट सीरीज, तो अपने पेपर सेट करना, ओके, उसको चेकिंग वेकिंग करना वो लोग करते हैं, तो फेस टू फेस बैच में वो ऑल टुगेदर हो जाता है, क्योंकि अपनी योगी बैच को फेस टू फेस नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे आपको आज बताया कि मेरे कुछ 10-12 दिन सुबह है और उसके बाद शाम को है, उसका कारण यह है कि मैं अभी 10-12 दिन मैं पुणे में हूं और उसके बाद मैं मुंबई में रहने वाला हूं, तो मेरी पुणे में बैच दोपहर के बाद है, मतलब 10 बजे के बाद से मेरी बैच चालू होती है पुणे में, और मुंबई में मेरी बैच 7 बजे से है। तो अभी अगले हफ्ते ये पॉइंट है, तो तोड़ मालिक। ओके, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है मालिक, तो बढ़िया सर। तो आप मेरे को बताइए, ओके, आप मेरे को बताइए, सबसे पहले आप विजन मिशन गोल बनाओगे, उसके बाद एनालिसिस करोगे। अब मेरे को बताओ, क्या एनालिसिस के बाद हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं क्या मालिक? आंसर इज यस। तो अब आपने एनालिसिस किया, अब आप स्ट्रैटेजी बना लीजिए। ओके, आप स्ट्रैटेजी बना लीजिए, भारत माता की स्ट्रैटेजी बना लीजिए मालिक, स्ट्रैटेजी बना लीजिए। आप टेक्निकली मेरे को बताइए, आपने अगर स्ट्रैटेजी बना ली, ओके, क्या वो स्ट्रैटेजी बनाना काफी है या उसको इंप्लीमेंट भी करना होता है? क्या स्ट्रैटेजी बनाना काफी है या उसको इंप्लीमेंट भी करना होता है? तो अगला पॉइंट, आपने स्ट्रैटेजी बनाना काफी नहीं होता है, आपने स्ट्रैटेजी डिसाइड कर ली, लेकिन क्लास ज्वाइन तो करना पड़ेगा, और क्लास ज्वाइन करने के बाद उसको रोज के रोज तो काम करना पड़ेगा ना। ओके, तो इसको इंप्लीमेंट भी करना होता है मालिक, ओके, इंप्लीमेंट भी करना होता है। और टेक्निकली मेरे को बताओ, आपने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर दी, क्या ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के बाद वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, या हमें उसमें चेंजेस चाहिए, क्या ये चेक करने की जरूरत नहीं है? ये भी चेक करना पड़ेगा मालिक, इसीलिए ओके, और क्या करना पड़ेगा? इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन करना काफी नहीं है, उसके साथ में करेक्टिव एक्शंस, करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ सकते हैं। यानी एग्जांपल, ओके, आपने स्ट्रैटेजी कर ली, आपने क्या कर लिया? आपने बैच ज्वाइन कर लिया। अभी आपको लग गया कि हाँ भाई बैच ज्वाइन कर लेते मालिक, बैच ज्वाइन कर लेते। बैच ज्वाइन होने के बाद देखिए, मैंने एक जनरल बैच बनाई है, एसएमयू योगी बैच। अब ऐसा हो सकता है इसमें कोई ऐसा एक स्टूडेंट हो जिसको शायद टेक्निकली बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होगा कुछ ग्रास करने में, या पढ़ने में, या रीड करने में, पॉसिबल। तो उसने स्ट्रैटेजी तो बना ली, उसने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट भी कर दी बैच ज्वाइन करके, लेकिन अब उसने इवैल्यूएट करना चाहिए कि उसको थोड़ी और मेहनत चाहिए ज्यादा। यानी एग्जांपल, अभी एक अपने एक सी एस्प्रिंट करके जो बंदे है, ओके, इसका नाम मेरे को नहीं पता, आप नाम बता दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। ओके, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई यार सर, टेस्ट सीरीज होगी क्या? अब मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक टेस्ट सीरीज ऑल्सो ए स्ट्रैटेजी? अब टेस्ट सीरीज, एग्जांपल, बैक जॉइन होने के बाद अपने को मालूम पड़ता है कि नहीं नहीं भाई ये भी करना है। ओके, तो आप उसको इंप्लीमेंट करके उसको करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। जैसे मैंने बताया, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, लेकिन अगर करेक्ट करवाना है या कुछ करवाना है, तो आप वो उसको एडिशनल छोटी सी जो फीस रही है, एक बेयर मिनिमम फीस है, कुछ भी नहीं हो वो फीस देके, ओके, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है, ओके, जीवन ये पॉइंट है, पर बेसिक अमाउंट रहेगा, लेकिन आप वो करके आप वो करेक्ट करवा सकते हो। तो अभी कोई स्टूडेंट बोल रहा है नहीं नहीं भाई मेरे को करेक्ट करके ही चाहिए, तो भाई ओके, आपको इवैल्यूएट करिए और करेक्टिव एक्शन लीजिए। यानी आप एडिशनली वो स्ट्रैटेजी में और डालिए। यानी आपने पहले स्ट्रैटेजी क्या सोची थी? बैच ज्वाइन करना। बैच ज्वाइन के बाद लगा नहीं नहीं भाई टेस्ट सीरीज भी करनी है, टेस्ट सीरीज करनी है, तो आपने क्या किया? बैच ज्वाइन की, इंप्लीमेंट किया, इवैल्यूएट किया, और अब लगा आपको टेस्ट सीरीज भी करनी है, करेक्टिव एक्शन ले लो आप। करेक्टिव एक्शन मतलब कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा, प्रोएक्टिव की कहानी हो रही है। यानी प्रोएक्टिव में अपन रिएक्टिव भी डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये 5 स्टेप्स दिमाग में तोड़ बिठाने हैं मालिक, 5 स्टेप्स दिमाग में तोड़ बिठाने हैं। कौन से 5 स्टेप्स तोड़ बिठाने हैं मालिक, मेरे को बताओ 5 स्टेप्स कौन से हैं? लविश, ओके, लविश है कोटा से, तो लविश भाई, लविश राठौड़ जी कोटा से, तो बढ़िया, तो सी एस वरण जी है, लविश राठौड़ जी कोटा से, तोड़ मालिक तोड़। तो लविश भाई, तो लॉजिकली आपको नहीं, लविश भाई ने जो पूछा, डोंट यू थिंक ये बैच के ओवर ए पीरियड, जैसे जैसे बैच होगी उसके बाद और चीजें आपको क्लियर होती जाएगी, और चीजें आंसर इंप्लीमेंट और इवैल्यूएट करने का और करेक्टिव एक्शन लेने का। अब मेरे को बताओ इसका मतलब, करेक्टिव एक्शन लेने का मतलब क्या करने का? क्या करेक्टिव एक्शन में क्या हम वापस एनालिसिस में जा सकते हैं? क्या हम वापस एनालिसिस में जा सकते हैं? आंसर यस। क्या वापस अपनी स्ट्रैटेजी रीडिजाइन हो सकती है? यस। वापस इंप्लीमेंट करनी पड़ सकती है? यानी ये साइक्लिक मैनर है, ये साइक्लिक मैनर है। यानी ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया स्क्रीन पे अभी 5 पॉइंट बताया, ये साइक्लिक है। सर क्या ऐसा हो सकता है अपना विजन हासिल हो जाए, अब सीए करके प्रैक्टिस ज्वाइन कर लो, क्या अब उसके बाद विजन खत्म है मालिक? नहीं, विजन खत्म नहीं है, विजन अब उसके बाद नया विजन सेट होगा। तो मेरे को बताओ, जो ऑलरेडी विजन सेट किया वो अचीव हो गया, तो कहानी खत्म है क्या? नया विजन सेट करो। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, ये स्टेप्स घूमते जाएंगे मालिक, तो मालिक ये साइक्लिक स्टेप्स होते हैं। बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से आपको समझा होगा,
अब मैं क्वेश्चन क्या समझाता हूं समझना छोड़ो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कितने स्टेप्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कितने स्टेप्स होते हैं या कितने स्टेजेस होते हैं? तो मेरे ख्याल से आप सबको टेक्निकली आंसर क्लियर होगा कितने स्टेजेस होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 5 स्टेजेस होते हैं मालिक। सबसे पहला ओके, मुझे क्या सेट करना होता है, विजन सेट करना होता है, मिशन सेट करना होता है, गोल सेट करना होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। सेकंड, उसके बाद एनालिसिस करना होता है। सर एनालिसिस में 2 एनालिसिस याद रखिए, एक होता है इंटरनल एनालिसिस, एक होता है एक्सटर्नल एनालिसिस। सर इंटरनल एक्सटर्नल की कहानी अलग अलग होती है, इंटरनल एनालिसिस एक्सटर्नल एनालिसिस जिसको अपन कहीं ना कहीं आपने शायद SWOT में देखा होगा। स्ट्रेंथ वीकनेस देखना और अपॉर्चुनिटी थ्रेट देखना इज नथिंग बट इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस का कॉन्टेक्स्ट। ये एनालिसिस का कॉन्टेक्स्ट आएगा मालिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पॉइंट। आत्मा क्लियर। इसके बाद आप बनाओगे स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी बनाओगे, स्ट्रेटजी कौन से लेवल पे बनती है इसके ऊपर चर्चा अपन कल करेंगे, कल के लास्ट में मतलब ऑलमोस्ट कल के 8:30 के रेंज में अपना वो डिस्कशन आएगा। बट इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस करेंगे, अपॉर्चुनिटी सेट करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्ट्रेटजी को क्या करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएशन करना और करेक्टिव एक्शन लेना। आत्मा क्लियर ओके। ये तो हुए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के स्टेजेस। लेकिन अगर मैंने आपको बोला स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन बताइए, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का डेफिनेशन, तो अपने मॉड्यूल ने थोड़ा सा डेफिनेशन टेक्निकली थोड़ा सा ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक दो वर्ड मिस कर दिया है। यानी अपना स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लू कलर से। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, इट इज अ मैनेजरल प्रोसेस ऑफ सेटिंग विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी इसको बोला हुआ है ओके, ऑफ सेटिंग विजन मिशन सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ओके, इंप्लीमेंट डिजाइनिंग अ स्ट्रेटजी, डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटजी, डूइंग द इवैल्यूएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। यानी अगर मैंने आपको बोला डेफिनेशन लिखो, तो डेफिनेशन में जो ब्लू मार्किंग से हाईलाइट है वो लिखोगे। यानी डेफिनेशन में खाली एक चीज उड़ गई है, डेफिनेशन में एक चीज उड़ गई है मालिक। कौन सी चीज उड़ गई बेटा? डेफिनेशन में एनालिसिस उड़ गया है। क्या उड़ गया बेटा? एनालिसिस उड़ गया डेफिनेशन में। अगर मैंने बोला स्टेजेस समझाओ, तो ये 5 स्टेजेस आपके स्क्रीन पर मैंने लिख दिए है। अगर आपने बोला स्टेजेस समझाओ, तो मैंने आपके स्क्रीन पे 5 स्टेजेस लिख दिए हैं। ये 5 स्टेज आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये सब स्टेजेस हैं। लेकिन मैंने बोला डेफिनेशन लिखना है मुझे, तो जो जो हाईलाइट कलर की है वो डेफिनेशन का कहानी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन वाइज अगर आपके बुक में दिखाऊं, एक बार आपके बुक में दिखाऊं ओके, बुक में दिखाऊं ओके, तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन अगर देखोगे, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिखाता हूं मैं आपको, तो ये देखिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ओके, पेज 1.4 पे है। वैसे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट करने से पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा ओके। द टर्म स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू ए मैनेजरियल प्रोसेस, समझ में आया, मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए स्ट्रेटजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग ए स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटजी, एंड फाइनली इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स व्हेन डीम्ड एप्रोप्रिएट। अगर आप ये देखोगे, ये डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है ओके। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट करेंगे, ये स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में एनालिसिस आ जाएगा, समझा? तो एनालिसिस नहीं आता ऐसा नहीं है, एनालिसिस आता है, एनालिसिस आता है मालिक, एनालिसिस नहीं आता ऐसा नहीं है, लेकिन इस डेफिनेशन में नहीं है, इसलिए अपन उसको अवॉइड करते हैं मालिक। तो अब मेरे को बताओ ओके, मैंने आपको टोटल 3 कॉन्सेप्ट आज के डेट में बताया मालिक, 3 कॉन्सेप्ट कौन से बताया? सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो बताया मालिक मैंने आपको वो बताया ओके, सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया स्ट्रेटजी क्या होती है। दूसरा मैंने आपको समझा दिया मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है इस स्ट्रक्चर में, यहां पर मैनेजमेंट करके क्या होता है मालिक, मैनेजमेंट करके क्या होता है। और तीसरा मैंने आपको बताया स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है। ये 3 डेफिनेशन में से डेफिनेटली अपने को तोड़ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को याद रखना जरूरी है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मैटर्स अ लॉट, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की कहानी अपने लिए मैटर करेगी मालिक, क्योंकि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही अपने लिए तोड़ रहना चाहिए मालिक। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एज सच क्या होता है, तो टेक्निकली स्पीकिंग स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को डिफाइन करोगे, तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बोलोगे कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरल प्रोसेस ऑफ क्या करने का, डिटरमाइनिंग विजन, मैनेजरल प्रोसेस लिखना भूलना मत ओके। और उसको कैसे मैंने समझाया, मैंने आपको ऊपर के डेफिनेशन में समझा दिया है। तो मैनेजरल प्रोसेस ओके ऑफ सेट डिफाइनिंग सेटिंग विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, डूइंग द क्राफ्टिंग द स्ट्रेटजी, उसके बाद इंप्लीमेंटिंग इवैल्यूएटिंग, बस ये लॉजिक आपको बिठाना है मालिक। मेरे ख्याल से टेक्निकली एवरीबॉडी क्लियर मालिक यहां तक, क्या तो ये पॉइंट अपने लिए रहेगा मालिक ओके। अब इस बेस पे ओके, जो अपने को आइडिया आ गया है, तो अब आपको आपको मैं बता दूं 5 चैप्टर कौन से हैं अपने। तो स्टडी मैनेजमेंट में अपने 5 चैप्टर्स है, स्क्रीन पे अगर आप देखोगे स्टडी मैनेजमेंट में 5 चैप्टर्स कौन से हैं मालिक, स्टडी मैनेजमेंट में 5 चैप्टर्स कौन से हैं। सबसे पहला अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन टू SM। सर ये चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? अच्छा स्टडी मैनेजमेंट में 5 स्टेप्स क्लियर है ना, 5 स्टेप्स क्लियर है ना, बस वही 5 स्टेप्स यहां पर रखना है मालिक।
सर पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या मिलेगा मालिक, यहां पर अपने को जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया बेसिकली वो रहेगा, लेकिन इसके साथ में विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ये अपने को पढ़ने मिलेगा मालिक। विजन कैसे सेट करते हैं, मिशन क्या होता है, गोल्स के ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं। अब यहां पर कोई पिछला सिलेबस नवंबर 23 अगर कोई दिया होगा तो वो बोलेगा सर ये ऑलरेडी एक चैप्टर में कवर था, अभी वो पूरा ना भूलना है, मैंने आपको क्लियरली बोला है। यहां पर है ना टेक्निकली थोड़े से आंसर में मिक्स मैच है। यहां पर पिछले टाइम के जैसे स्ट्रेटजिक इंटेंट पढ़ा होगा आपने, स्ट्रेटजिक इंटेंट का आंसर कुछ अलग है, उधर अलग था इधर अलग है, तो आपको यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर जो मैं समझाऊंगा उसी हिसाब से जाना है, वहां का चीजें भूलनी है आपको, क्योंकि प्रॉब्लम यही है। यहां पर विजन, यहां पर जो पहले तीन चार आंसर है ना वो बेसिक्स है जो आपके ऑलरेडी सिमिलर थे। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बताइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बताइए, लिमिटेशन ऑफ एसेट बताइए, ठीक है। उसके बाद विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, आपको कुछ समानताएं मिलेगी, लेकिन समानताएं आपको उसी हद तक रखनी है जितना इधर दिया हुआ है। आपको पुराना वाला सिलेबस का कॉन्सेप्ट निकालना होगा मालिक। ओके, ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी इस पार्ट में। ओके, तो विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, अगर आप सेकंड वाला नाम देखोगे स्ट्रेटजिक एनालिसिस, तीसरा वाला नाम देखोगे स्ट्रेटजिक एनालिसिस, दो एनालिसिस है, एक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दूसरा है इंटरनल एनवायरनमेंट। तो यानी आप यहां पर आपको दो नए सेट मिल रहे हैं जहां पर अपन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर ले। ओके, दोनों चैप्टर में काफी हद तक चीजें नई है, न्यू कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन बोथ द चैप्टर्स, बोथ द चैप्टर्स, लेकिन कुछ समानता चीजें है। जैसे चैप्टर टू में जाओगे तो आपको मालूम है ना फाइव फोर्सेस जो अगर बाई चांस है, तो फाइव फोर्सेस अपन पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट में अपन पढ़ेंगे अबाउट कॉस्ट लीडर डिफरेंशिएशन उसके बारे में है। तो ये दो चैप्टर में, लेकिन ये दो चैप्टर काफी हद तक नए वाले इंक्लूड किए गए हैं आपके लिए। तीसरा था स्टडी चॉइसेस, इसके ऊपर मैं बात करूं तो भाई ये अपना पुराना सिलेबस अगर आपको याद हो कॉर्पोरेट लेवल स्टडी है, जिसने पढ़ाया, जिसने नहीं पढ़ाया तो कोई टीचर नहीं है। इसमें अपन पढ़ेंगे स्टेबिलिटी एक्सपेंशन क्या होता है, रिट्रेंचमेंट क्या होता है, वापस चेंजेस है आपने जो पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से चेंजेस है इधर मालिक। तो थोड़ा सा शांत रहना। इसमें इनोवेशन सारी चीजें इंक्लूड की हुई है, स्टार्टअप्स के लिए इंक्लूड किया हुआ है स्ट्रेटजिक चॉइसेस में, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो यानी टेक्निकली स्टेजेस का सेकंड स्टेज ओके, वो दो चैप्टर में डिवाइड हो गया। कौन से दो चैप्टर में डिवाइड हो गया? ओके, चैप्टर टू एंड चैप्टर थ्री, समझा? तो स्टेज वन इधर गया, स्टेज टू स्टेज थ्री इधर गया, स्टेज टू गया इधर, स्टेज थ्री आया स्ट्रेटजिक चॉइसेस, यानी स्ट्रेटजिक बनाना कौन से चॉइसेस अवेलेबल है, एंड स्टेज फोर एंड फाइव आपका होता है लास्ट इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। यानी अब अगर आपको याद होगा सेवेंथ एट ये कॉम्बिनेशन कंबाइन करके आपका चैप्टर फाइव बन जाता है मालिक। आत्मा समझा क्या? एवरीबडी अंडरस्टूड और नॉट? तो अगर आप देखोगे तो आप कॉन्टेक्चुअली आपको समझ में आ जाएगा ये आपने जो पांच चैप्टर है ये पांच स्टेजेस के बेस पे ही है। बस अपना सीक्वेंस क्या रहेगा, अपन कल से चालू करेंगे चैप्टर वन। ओके, चैप्टर वन को चालू करेंगे, फिर बाद में चालू करेंगे चैप्टर फोर्थ, क्योंकि मेरे को चैप्टर फोर्थ का बेस रेडी करना है। हो सकता है चैप्टर फोर्थ तो कोई पढ़ रहा होगा तब उसको बहुत सारी चीजें सिमिलर लगेगी, स्टेबिलिटी है, टर्न अराउंड है, कुछ चीजें सेम ही है। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था लेक्चर में। ओके, तो 30% 30-35% आपका सिमिलर सिलेबस है, लेकिन आपने वो वापस करना है क्योंकि लॉजिकली अभी आपको जो बिठाना है ना दिमाग में वो आपको नए हिसाब से बिठाना है, आप समझ रहे हो? अगर वो एक पॉइंट भी चेंज है तो चेंज है बस, आप ये समझिए। तो आपको पूरा नए हिसाब से करना है, तो आप ऐसा मत करना कि सर ये तो मेरे को आता है, स्टेबिलिटी मेरे को आती है, ठीक है, सेम आंसर रहेंगे, फाइव फोर्सेस तो मेरे को आता है ना सर, बैरियर्स मेरे को आते हैं ना सर, तो मैं ये लेक्चर अरे कर लीजिए ना यार, कितना टाइम जाएगा, एक घंटा भर, आधा घंटा एक्स्ट्रा जाएगा यार, 25-30 घंटे में आपका यार पूरा 50 मार्क खत्म हो रहा है यार, 50 मार्क हो रहा है यार, 50 मार्क। तो भाई साहब, ओके, मेक श्योर आप ये दिमाग में क्लियर रहिए कि ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि आपको ऐसा पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है कि ये सेम है, भूल जाइए पूरा नाम, मैं वापस बोल रहा हूं 30% भले ही सेम रहा लेकिन भूल जाइए, एवरीबडी क्लियर मालिक? ओके, तो कल अपन चालू करेंगे चैप्टर वन। ओके, चैप्टर वन अपन मेरे ख्याल से चार लेक्चर के अंदर अपन खत्म करेंगे, चार से पांच लेक्चर के अंदर, चार लेक्चर अप्रोक्सीमेटली या पांच में दिखाए तो, और उसके बाद मतलब 4-5 घंटे के रेंज में, उसके बाद अपन शिफ्ट होंगे चैप्टर फोर्थ पे। ओके, और चैप्टर फोर्थ होने के बाद अपन शिफ्ट होंगे चैप्टर टू एंड थ्री पे। ओके, ये सिनेरियो रहेगा, एंड लास्ट वाला चैप्टर अपना लास्ट होगा, वो लास्ट वाला चैप्टर पहले कर ही नहीं सकते अपन। एम आई क्लियर मालिक? तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है। ओके, तो भाई साहब अगर आपको टेस्ट बुक मिल गई होगी तो आप कल से टेस्ट बुक यूज करना चालू करोगे, नहीं मिली तो एटलीस्ट चैप्टर वन का थोड़ा सा प्रिंट आउट निकाल लेना। ओके, एक 10-15 पेज प्रिंट आउट निकाल लेना ताकि वो यूज हो जाएंगे। ओके, भूला। ओके, तो तोड़ लवेश भाई। ओके, तो भारत माता की जय मालिक। तो होपफुली
सर डेली 7 to 8:30 टाइमिंग रहेगा, सेम लॉजिक रहेगा। 8:30 मतलब 8:15-8:30 के बीच में, क्योंकि उसके बाद मेरा थोड़ा प्रोसेस ही है वापस। 8:15-8:30 के बीच में तक टाइमिंग रहेगा, और आज कल परसों 3 दिन यूट्यूब पे रहेगा, और मतलब थर्सडे फ्राइडे से अपन जाएंगे शिफ्ट करेंगे किसके ऊपर, ओके ऐप पे। ऐप का मैं वीडियो डाल दूंगा मालिक, ओके मैं वीडियो डाल दूंगा, वो आपको पूरी टीम समझा दी। बस आप कुछ भी रहा ओके आप एटी एकेडमी से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको सपोर्ट एकदम फटाफट मिल जाएगा। देखिए वी स्मार्ट ओके परसेप या किधर भी है, सारी जगह से सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन आप कम्युनिकेशन गैप हो सकता है कभी कभी पॉसिबिलिटी, तो सीधे डायरेक्टली एटी के पास अपडेट कर लीजिए, एटी एकेडमी में अपडेट कर लीजिए। ओके एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उसके अंदर अपन मतलब जो ईओबी बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए। ओके ऑल टुगेदर आप उसमें रहेंगे, तो उसमें ईओबी बैच के रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो रहेगा। लेकिन 3 तारीख के बाद से मेरे लेक्चर शाम को होंगे, ये क्लियर है ना, मतलब लाइव में 3 तारीख के बाद से, 3 या 4 तारीख के बाद से डिपेंडिंग, मैं मुंबई शिफ्ट होऊंगा उस दिन, 3 तारीख या 4 तारीख के बाद में शाम को होंगे। और अप्रोक्सीमेटली सर अपना बैच एंड डेट क्या होगा, 8 से 10 तारीख के रेंज में खत्म हो जाना चाहिए, मतलब 6, 7, 8 डिपेंडिंग, अगर मेरा किस दिन मुड़ आ गया ज्यादा ले लिया, पर टेक्निकली मैं आपको बता के करूंगा, ऐसे सरप्राइज तेरी तो लग गई ऐसा नहीं होगा भाई। ओके मतलब मैं आपको बता दूंगा 2-3 दिन पहले कि अपन आज कल ज्यादा कवर कर लेंगे या समथिंग लाइक दैट, समझा। तो एक मैक्सिमम टाइमिंग आप ये ध्यान रखिए। तो मालिक मिलते हैं असला विस्ता कल सुबह शार्प 7 o'clock। यूट्यूब की लिंक वापस अपन ग्रुप में शेयर कर देंगे मालिक।